ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमद्भक्तिवेदान्तनाथगोस्वामिनामिने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला गुरुस्वामी विष्णुपाद स्तुत भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की चरण सरोवर में कोटि कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तुत शिष्यमद् भक्तिविदं वमन गोस्वामी महाराज के चरण को कमलों में कोटि कोटि नमन ज्ञापन करते हुए मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्तिविदंत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन ज्ञापन हो। उसके उपरांत वृंदावन से आए संत द्विज प्रभु जी और हमारे पुजारी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन ज्ञापन हो और अन्य समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन हो। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है और आज और कल श्रील गुरुदेव और बड़े गुरुदेव की गुण महिमा हम श्रवण करेंगे। साथ ही साथ महाराज बीच बीच में श्रीमद् भागवत की कथा को भी हमें श्रवण कराएंगे। श्रील गुरुदेव बड़े कृपालु दयालु हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे कि जो वर्ण आश्रम है उसमें गुरु कौन है, उसमें ब्राह्मण समस्त लोगों का गुरु है, नीचे के तीन जो है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का गुरु है, उसे भूदेवता कहते हैं, तो भी ब्राह्मण का गुरु वैष्णव हो सकता है और वैष्णव किसी भी जाति विशेष में आविर्भाव हो जाता है उनका और बड़ी कृपा करते हैं। भगवान भी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नया जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। मतलब कि क्या ब्राह्मण और क्या सन्यासी, यहां तक कि शूद्र ही क्यों ना हो, यदि वो कृष्ण तत्ववेता है तो वह गुरु हो सकता है। स्पष्ट रूप से ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहां पर। इसीलिए वैष्णव परंपरा में, गुरु परंपरा में हमें शुद्ध भक्त संत रूप में, गुरु रूप में मिले, उनका आश्रय ग्रहण करके उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये कर्तव्य है, विशेष करके जो भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है उन समस्त जीवों के लिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने दयालु और कृपालु हमारे गुरुवर्ग हैं, भारतीयों को ही नहीं विदेशियों में भी दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। मतलब जोरदार तालियां हरि बोल। और गुरुदेव ने तो चाइना तक में जो कि खाने पीने का कोई विचार नहीं है, केकड़ा और जने क्या क्या खा जाते हैं, उन सबको भी भक्त बना दिया। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव की, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की। श्री गुरुदेव का यदि हम देखें, वैष्णव किसी भी जाति में हो सकता है। श्री गुरुदेव जो वर्णाश्रम में सबसे उत्कृष्ट वर्ण है ब्राह्मण, उसमें उनका जन्म आविर्भाव हुआ और वहां पर बिहार में जो बक्सर जिला है उसमें तिवारीपुर, जो तिवारी ब्राह्मणों का ग्राम है, उसमें वो प्रकट हुए। भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का पूर्व आश्रम ये तिवारीपुर है, जहां पर माता लक्ष्मी देवी और
पिताजी श्री बालेश्वर तिवारी जी, ये श्री संप्रदाय से दीक्षित थे और सुंदर तरीके से संतों का बड़ा आदर करके ग्राम में रामायण और श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाते, संतों का सुंदर तरीके से आवागमन रहता तिवारीपुर में। वहां श्री गुरुदेव आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व मौनी अमावस्या में, जो अब आने ही वाली है, उसमें उनका आविर्भाव हुआ और वो बालक इतना सुंदर तेज कि हर कोई उनको देखने के लिए वहां आता तो टकटकी लगाकर देखते ही रहता। इतना गौरवर्ण और सुंदर तीक्ष्ण नयन नक्ष एवं बहुत ही गहरी झील जैसी नीली नीली आंखें हमारे गुरुदेव की, इसको देख करके सब स्तब्ध रहते और बड़े प्रेम से उनको निहारते। जिस प्रकार से कृष्ण लीला में कृष्ण को देखने के लिए गोपियां आती और ब्रजवासी आते, ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का दर्शन पाने के लिए तिवारीपुर ही नहीं, आसपास के दलग्राम इत्यादि के लोग भी, जो कि गुरुदेव के पूर्व आश्रम के पिताजी के मित्र गण थे, सब वहां पर उपस्थित हुए और बड़ी धूमधाम से वहां पर ये सब उत्सव मनाया। श्री गुरुदेव बचपन में मात्र 6 महीने पर ही इतने स्थिर थे कि जिस प्रकार से कोई योगी ध्यान में मगन रहता हो चुपचाप, ठीक इसी प्रकार से बैठे रहते। जहां मैया इनको नहला दुला करके सजा करके बिठा देती है, बैठे रहते। और मैया कुछ भी काम करती तो ये साधारण बालकों की तरह रोते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे, बड़े प्रेम से वहीं बैठे रहते और हमेशा निमग्न रहते, जैसे मन ही मन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हो। तो सबने देखा ये तो बहुत ही ज्यादा सरल और भोला बालक है। श्री गुरुदेव की जय। तो नाम रखा भोलानाथ, कि ये तो भोला भंडारी है। नाम पड़ा गुरुदेव का भोलानाथ। श्री गुरुदेव का जब नामकरण हुआ तो क्योंकि माता पिता श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, इसीलिए बहुत ही अच्छा नाम श्रीमन नारायण रखा गया श्री गुरुदेव का नाम। समय बीता, बालक और बड़ा हुआ। हरी बोल। तो उनको स्कूल भेजा गया। स्कूल में भी जैसे बच्चे रोते धोते हैं ऐसे नहीं। श्री गुरुदेव की बड़े प्रेम से जाते, बड़े धैर्य से शिक्षक की बातें सुनते और घर आते। इस तरीके से वह बालक बड़ा मेधावी छात्र, बड़ा तेजस्वी छात्र बने श्री गुरुदेव। और घर में आते तो पिताजी खेती बाड़ी करके आते, सुबह शाम रामायण का पाठ करते, तो ये बालक वहीं बैठ करके बड़े ध्यान पूर्वक उसको सुनता और पिताजी जो जो सेवा बतलाते वह दौड़ के किया करते। और बड़े हुए तो इनको बक्सर जिले में एक स्कूल है गंगा किनारे, अभी बड़ा सौभाग्य मिला हमारे महाराज जी के साथ हम गए और वहां पर दर्शन किया उस स्कूल का। वहां पर वो बताते हैं कि उस समय यातायात के साधन नहीं थे, तो भी गुरुदेव दौड़ दौड़ के वहां पर जाते और कई बार बरसात के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती तो गंगा
में जो पैदल चलकर जाना पड़ता था, लेकिन जब बाढ़ आने के कारण वहां पर पानी लबालब होने के कारण गुरुदेव उसको तैर के पार कर जाया करते थे। वो कम से कम 2.5 किलोमीटर की चौड़ी गंगा को बहुत आसानी से तैर के चले जाते थे। तो गुरुदेव ने यहां पर ये जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए ये सब प्रदर्शित किया कि संतों के लिए ये संसार बहुत ही तुच्छ है। और जिस प्रकार से लोग बाग संसार की वस्तुओं के लिए धावित हैं, वो तो गुरुदेव के चरणों में ऐसी ही पड़ी हैं, कोड़ियों के दाम। और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि भक्ति करने का अभी उम्र नहीं है, जब बुढ़ापा आएगा तब करनी चाहिए भक्ति, कई लोग से हम श्रवण करते हैं, तो यहां पर ये अपने सारे उदाहरणों से ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भक्ति जो है कुमारावस्था से ही करनी चाहिए। जैसे पिताजी के पास बैठ करके रामायण आदि पढ़ी, और जब 10वीं कक्षा में ये आए तो वहां पर पूरे स्कूल में इन्होंने टॉप किया, और उसके उपरांत 11वीं में जब ये आए तो इनके पिताजी एक दंगल में ले गए, कुश्ती जहां होती है, जैसे गांव में हमारे यहां पर भी सब जगह होती है, तो वहां पर महामंत्र को इन्होंने पहली बार वहां पर देखा सुना। वहां पर जितने भी खिलाड़ी आए थे वो पूरे मैदान का चक्कर लगाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए ताली बजाते हुए वो जा रहे थे। वो देख करके श्री गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा और इतना आनंद हुआ कि वो महामंत्र जो उन्होंने श्रवण किया वो उनके हृदय को छू गया, उनके हृदय में स्थित हो गया। उसके बाद वो दौड़ भाग में भी बहुत अच्छे थे, पूरे क्षेत्र में उनके जैसा कोई धावक नहीं था। पुलिस की भर्ती हुई तो वहां पर उन्होंने सबको पछाड़ करके सबसे आगे पहुंचे तो उनकी पुलिस में भी भर्ती हो गई। और उस समय 10वीं कक्षा करके 11वीं कक्षा में जो बालक पढ़ रहा है वो आज की तारीख में, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10वीं की आज की तारीख में इतनी बड़ी महत्ता नहीं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी 10वीं करना। तो उनको पुलिस फोर्स में जॉब मिला और वहां पर वो क्लरिकल जॉब में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। वहां जितने भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर या अन्य जितने भी सिपाही या बड़े बड़े पोस्ट पर जो एसपी एसएसपी इत्यादि जितने भी बड़े बड़े सब उनको देख करके उनकी बातें उनकी मधुर वाणी को सुन करके मुग्ध हो जाया करते और उनसे आकर्षित होते। वहां पर एक बड़े अधिकारी जो बंगाल से थे वो एसपी रैंक के थे, डिप्टी एसपी, तो उनके यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। वहां पर श्री नरोत्तमा ब्रह्मचारी और अन्य कई ब्रह्मचारी वहां पहुंचे, उन्होंने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा वहां पर सुनाई सबको। और वहां ये जो बंगाली बड़े अधिकारी थे वो जानते थे कि ये श्रीमन नारायण जो हैं बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और साधुओं का बड़ा आदर करते हैं, इनको उन संतों की सेवा में नियुक्त कर देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी। वहां इनको प्रथम बार गौड़ीय वैष्णवों का संग और दर्शन प्राप्त हुआ और वहां इतना सुंदर तरीके से उन्होंने सेवा की उनकी कि वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगे। सारी की सारी कथा बंगला में हुई क्योंकि वो बंगाली अधिकारी थे और उनके जितने भी जान पहचान के लोग थे सारे बंगाली, उन्होंने घर में ही वो व्यवस्था की थी। तो भी वो श्लोकों को जो संस्कृत में उन्होंने बोला और महामंत्र को श्रवण करते, जब कीर्तन होता तो गुरुदेव बड़े आनंदित होकर के उसको श्रवण करते।
समय बीता तो जैसे ही रात्रि हो जाती वो ब्रह्मचारी गणों के पास जाकर के पूरा अनुवाद हिंदी में तो नहीं बता पाते, इंग्लिश में वो बताते थे। गुरुदेव इंग्लिश में सब कुछ जो उन्होंने कथा में श्रवण कराया था वह सब कुछ सुना करते। उसके जब श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आयोजन पूर्ण हुआ वो चले गए तो पत्राचार के द्वारा उन्होंने पत्र व्यवहार किया और अपनी शंकाओं को लिखा करते थे। वहां से नरोत्तमा ब्रह्मचारी उनको पूरा उत्तर दिया करते। इस प्रकार उनका अब जॉब में मन नहीं लगता था। और एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पोस्टिंग कासगंज में थी, वहां पर एक मर्डर हो गया। वहां मर्डर होने पर इनको भेजा गया कि देखो हमने जो जिसने मर्डर किया उसको जेल में डाल दिया, तुम जाकर के पूरी तहकीकात करके रिपोर्ट बना दो। वहां पर वो गए गुरुदेव और देखा कि जिसको जेल में डाला गया है वो निर्दोष है। बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठे किए, लोगों से पूछा, सबने कहा ये निर्दोष है, तो उन्होंने वैसी रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट बनने के बाद जब बड़े अधिकारी ने देखी तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो बिल्कुल इसको जो है बरी कर दिया। अरे हमने तो अच्छा खासा इसको जेल में भेजा था, बहुत मोटी रकम मिलती है इससे, और तुमने इसको निर्दोष घोषित कर दिया, तुम पुलिस के लायक नहीं हो, तुम्हें तो साधु होना चाहिए। गुरुदेव ने सोचा सत्य बोलने के लिए इतना ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं कृष्ण भगवान की सेवा करूं। ये सब मन में विचार आते रहे और उनका भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रीति और संसार से विरक्ति होने लगी। एक समय ऐसा आया कि इस संसार में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता, निरस हो चले थे। उन्होंने तुरंत वहां से गाड़ी पकड़ी बक्सर से और सीधा नवदीप पहुंच गए। श्री गुरुदेव की जय। और वहां जाकर के जब पहुंचे तो रात्रि हो चली थी और उस समय आज की तरह लाइट की व्यवस्था है ऐसी नहीं थी, वहां अंधकार हो रहा था। और वहां जब गाड़ी रुकी तो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जो उस समय सज्जन ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध थे वो लालटेन लेकर के समस्त डब्बों में ढूंढ रहे थे, कोई यहाँ तैयारी प्रभु हैं, तैयारी प्रभु हैं। तो उनसे तिवारी नहीं बोला जा रहा था, बंगला प्रोनाउंसिएशन में बोल रहे थे तैयारी प्रभु। तो बोलते हाँ मैं हूँ तैयारी, तिवारी मैं हूँ, मैं तिवारीपुर से आया हूँ, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो आप, क्या नरोत्तमा ब्रह्मचारी ने भेजा है? नहीं नहीं मेरे गुरुदेव ने भेजा है। कौन है आपके गुरुदेव? तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। अरे उनको तो मैंने कुछ चिट्ठी नहीं लिखी, ना मैंने कोई सूचना दी, उनको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? तो मेरे गुरुदेव ने बोला है जाओ स्टेशन पे, वहां पर श्रीमन नारायण तिवारी आ रहे हैं, उनको लेवा के लाओ। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनके साथ चले और वहां जाकर के गुरुदेव का दर्शन हुआ और वहां उनको साष्टांग प्रणाम किया। दो एक दिन रह करके बोले मुझे नरोत्तमा ब्रह्मचारी जी से मिलना है, उनसे मिलकर के आए और उन्होंने कहा कि मैं उनसे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा। कहा नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूं, देखो ये सदगुरु की पहचान है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तुम मेरे नित्य शिष्य हो और मैं तुम्हारा नित्य गुरु हूं, हमारा संबंध जो है सनातन है, इसीलिए मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। श्री गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय। इस प्रकार से जब समय बीता, मठ में बहुत सारी जो सेवाएं हैं, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज इतना निपुणता से और अच्छी तरीके से किया करते थे कि वहां पर छोटी छोटी जो सेवाएं हैं वो भी स्वयं किया करते थे। पहले शौच क्रिया के लिए जो ब्रह्मचारी इस तरीके से सुंदर तरीके से फैसिलिटीज नहीं थी टॉयलेट्स की, पहले एक बड़ा खड्डा खोद करके उसमें बड़ा मटका रख दिया जाता था, उसमें सब शौच क्रिया करते। और भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जो समय सज्जन ब्रह्मचारी थे सिर पर रख करके लेकर के बाहर फेंक करके आते थे। ऐसे महान संत जो समस्त निकृष्ट सेवा को भी बड़े उत्साह के साथ किया करते। वैष्णवों की सेवा
इस प्रकार से ये किया करते। एक बार नरोत्तमा ब्रह्मचारी जो बाहर सब्जी ले रहे थे मठ के बाहर, तो वहाँ पर एक दूध वाला जो ग्वाला था उसने आकर के कुछ बदतमीजी करी ब्रह्मचारी जी से, नरोत्तमा ब्रह्मचारी जी से। तो इनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने ब्रह्मचारी जी को ऐसे करके धक्का दिया तो उनको कुछ चोट आ गई। तो यहाँ पर ये जितने भी ब्रह्मचारी गण वहाँ थे उपस्थित, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ लोकेलिटी में ये सब जो है बंगालियों की चलती है, इसलिए वो घबरा गए। लेकिन श्री गुरुदेव एकदम उठे और इतना तीव्र गुस्सा आया उन्हें, एक डंडा पकड़ करके जोर से दे मारा उसकी पीठ पर ग्वाले की, वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा। तो इतने ज्यादा निडर हमारे गुरुदेव और सौंदर्य और सबसे उच्च कुल के गुरुदेव ब्राह्मण कुल से, तो भी यहां पर ये दिखा रहे हैं कि वर्ण और आश्रम को त्याग करके समस्त जीव वहां आकर के दीक्षा ग्रहण करके वैष्णव स्थान को प्राप्त करके वर्ण और आश्रम को अतिक्रमण करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव ने बहुत प्रचार किए, कई बार विश्व की परिक्रमा की और लगभग समस्त देशों में जाके प्रचार किया, और जैव धर्म गीता और बहुत सारे ग्रंथ उज्जवल नीलमणि इत्यादि को हिंदी में उन्होंने प्रकाशित किया, क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत शुरू में बड़ा ही कठिन लगता है, जटिल लगता है। और यदि ये बंगला में होता तो आज जो हम हिंदीवासी हैं उसको ना समझ पाते, यही उनकी करुणा दया है हम सब पर, जो सुंदर तरीके से इतने सारे ग्रंथ प्रकाशित किए हिंदी में, उनको पढ़ करके और महाराष्ट्री और वैष्णवों से श्रवण करके हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारे वक्ता हैं, इसीलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंचा कल कृषि कृपा सिंधु चपति तना पावन भी वैष्णव। हरे कृष्ण हमारे बीच में श्री द्विजो प्रभु जी है, ये द्विजो प्रभु जी जो गुरु जी की उन्होंने बड़ी सेवा की, इन्होंने बहुत बचपन में उन्होंने हमारी प्रभु जी बहुत बचपन में मंदिर में आए, लेकिन पहले रहते तो नवदीप के बाद में और एक वैष्णव महाराज थे, इन्होंने उनको भी उन्होंने सेवा की, लेकिन हमारे द्विजो प्रभु का बचपन से ही उन्नत वैष्णव का संग की इच्छा थी। हमारे जो भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी अभी जी की आप लोग कथा सुन रहे थे, ये हम इनको कहते हैं ये एक पारसमणि है। पारसमणि लोहे को भी अगर टच कराओ ना उसको सोना बना देती है, लेकिन हमारे गुरुदेव पारस ये कहते हैं पारसमणि तो लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन ये महापुरुष ऐसे थे और लोहे को सोना नहीं और लोहे को पारस मणि बनाते, लोहे को पारस मणि बनाते, इनकी ऐसे महिमा है। हमारे महाराज जी कितने महिमा, इतने महिमा क्या बताए। इसलिए जब हमारे महाराज जी संपूर्ण विश्व में जब उन्होंने धर्म प्रचार की, बड़े बड़े लोग इनकी महिमा को सुन करके सब के सब दूसरे दूसरे मठ को छोड़ करके इसको इतने भक्त आए जो सोच भी नहीं सकते हो, इतने झुंड के झुंड भक्त लोग आए। तो एक बार महाराज से पूछे नारायण गोस्वामी महाराज आप इतने व्यक्ति आपके पास में आ रहे हैं, सब छोड़ छाड़ करके दूसरे दूसरे मठ को छोड़ करके आ रहे हो, आपको बाद में फिर इनको कौन रक्षा करेगा। तो महाराज जी कहते देखो एक नारायण तो जा रहा है, एक नारायण तो जा रहे हैं, मैं ऐसे मैं अनंत नारायण को छोड़ कर गए। सचमुच से गुरुदेव ने ऐसे प्रचार और उन्होंने ऐसे प्रचार किया, गुरुदेव के पास में जो जो आए ना, जो जो आए मैं कैसे आया,
मेरे बचपन में मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी भगवान की कथा बोलना सीखे, हरी कथा सीखे, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी। मैं भी बचपन में करीब 14-15 साल में मैं मंदिर में आया हूँ, बचपन से आया हूँ, लेकिन बचपन में भी मेरे मन में इच्छा थी हम भगवान की कथा बोलने सीखे, ठाकुर की कथा बोलने सीखे। फिर मैंने जब तक हमारी गुरु जी मेरे गुरुदेव थे तब तक तो मैं पहले जगन्नाथपुरी में आया हूँ, वहां पर रहा। लेकिन जब हमारी गुरुदेव अंतर ध्यान लीला प्रकाश की अप्रकट चले गए जगत छोड़ करके, मेरी मन में इच्छा हो हरे कृष्ण। क्या हो गया? एक छोटा माइक ले आओ, हमारा छोटा माइक। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब गुरुदेव हमारे चले गए अभी मेरे मन में तो बड़ी इच्छा कहीं अगर ऐसे संतों का संग मिले और मेरे मन बैठ हरी कथा सीखने की। फिर मैंने पता लगा कौन यहाँ पर अभी है जगत में जो सुंदर सुंदर कथा सीखते सिखाते हैं बच्चों को और बोलते हैं। पता लगा तो लगा तो मेरे पता चला अरे मथुरा में एक केशव जी गौड़िया मठ है, वहाँ पर एक श्री नारायण गोस्वामी महाराज है जो बच्चों को बड़े स्नेह करते हैं और बच्चों को अपना बच्चे जैसे देखते हैं और उनको हरी कथा सिखाते हैं। मैंने जब सुना फिर मैंने जगन्नाथपुरी छोड़ करके मैंने मथुरा में आया। सचमुच से जब मैंने मथुरा में आया ना, मैं तो सुना था महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, बच्चों को बड़े स्नेह पूर्वक अपना बच्चे जैसे उनको कथा सिखाते हैं। लेकिन सचमुच से जब मैं मथुरा में आया ना, देख करके मैं दंग रह गया। मैंने सोचा कथा रूपी जो मंदाकिनी की जो धारा है ना, नित्य निरंतर श्री मथुरा मठ में नित्य निरंतर कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी वहां बहा करती थी, नदी बहा करती थी। और देखा दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में दिन में एक बार पाठ होता है, यहाँ पर तो देखा कोई गुरुवर्ग की तिथि आ जाए ना, गुरुदेव स्वयं दिन में चार चार बार कथा करते थे, चार चार बार दिन में कथा करते थे, एक बार सवेरे, एक बार 10 बजे, एक बार 4 बजे और एक बार मंगल आरती को, संध्या आरती होगी ना, संध्या आरती को बाद में गुरुदेव फिर बैठते थे। इतने सुंदर गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक एक विषय पर इतना गहरा विचार गुरुदेव है, गहरा विचार को बोलते थे। इसलिए सचमुच से गुरु जी को पास में जो आए ना, जो गुरु जी को पास में आए, अगर तुमको पढ़ने का जरूरत है नहीं, केवल उनकी कथा बैठ कर सुनो, केवल एक मन से केवल उनकी कथा सुन लो, बस आप पारस मणि बन जाओगे। लोहे नहीं, लोहे से क्या बन जाओगे? पारस मणि बन जाओगे। सचमुच से गुरुदेव के पास में जो जो आए ना, हम तो दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में देखते हैं, रूप गोस्वामी का अतिथि आए, गुरु जी हमें बोलते थे जितने बड़े बड़े विद्वान वृंदावन के गौड़ीय मठ में उनको बुलाओ और यहाँ पर रूप गोस्वामी के विषय पर विचार बोलेंगे। बड़े कठिन से 2-4 मिलना कठिन होता था, लेकिन हमारी गुरुदेव का कृपा ऐसे है, एक से एक धुरंधर क्या सुंदर सुंदर गुरु जी की कृपा से क्या सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, कितने सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। इसलिए कहते गुरुदेव की कथा मैंने सुन करके मथुरा में आया और वहीं पर थोड़ी बहुत जो सुख सीखा है महाराज जी के आशीर्वाद से हमने सीखा है। इसलिए जो प्रभु जी बैठे हुए इनके मन में भी इच्छा होती है मैं भी अच्छे वैष्णव के पास में जाए, अच्छे हरी कथा सीखे। इसलिए एक वैष्णव महाराज थे उनकी सेवा करते थे, हैं ये कहाँ पर, कौन सा जगह पर था, आसाम में है, गोलकगंज,
वहां पर रहते थे, लेकिन गुरुदेव का महिमा सुन करके ना वहां पर उन्होंने श्री मथुरा में आए, और मथुरा में आकर के गुरु जी का जो सेवा है, जैसे उनको कपड़ा साफ करना, गुरुदेव को रोज रोसोई बना कर खिलाना, उनको सुलाना, घर को मार्जन करना, इन्होंने पूरा के पूरा इन्होंने गुरु जी की सारे सेवा उन्होंने गुरु जी की है। आज हम लोग का बड़ा भाग्य है, प्रभु जी कृपा करके आए हैं, अभी गोवर्धन वास कर रहे हैं, रोज गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और हरिनाम करते हैं, और वहां पर बैठ करके गिरिराज गोवर्धन में भगवान भजन करते हैं। इन्होंने गुरु जी को पास में रहे और बहुत नजदीक में रह करके उन्होंने गुरु जी को उन्होंने देखा है, ये कुछ गुरु जी को बाद में बताएंगे हमारे श्री द्विजय कृष्ण प्रभु जी महाराज जी। ना वैष्णव लोग कभी प्रतिष्ठा नहीं लेते, महाराज जी अपना नाम बिल्कुल नहीं लिया कि गुरु जी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, महाराज जी विनाश होते नहीं थे। अगर गुरु जी को सुलाने के लिए चरण दबाना पड़ता था, लेकिन तीन चार ब्रह्मचारी आ जाते थे, अगर महाराज जी नहीं आए ना, गुरु जी बोलते थे और रसराज, गुरु जी रसानंद नहीं बोलते थे, और रसराज तो नहीं आया, हाथ से पहचान जाते थे और मेरे को बोलते थे उसको बुलाओ। गुरु जी सोने के लिए केवल महाराज जी को बुलाते थे, फिर तेल लगाते समय 8-10 जन आ जाते। तो महाराज जी कभी ना, देखो वैष्णव लोगों का स्वभाव है, उसको वैष्णव कहते हैं जो खूब गाल बजाते हैं अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, और ये एक भगवान के लिए गुण गाल बजाते हैं वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसमें एक राधाकुंड में एक वैष्णव है, वो बोलते हैं देखो ये एक लोकप्रिय होना और एक भगवान का प्रिय होना, दोनों बहुत आकाश पाताल अंतर है। जो लोकप्रिय होना वो प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो है तमोगुणी है, रजोगुणी है, वो अपना महिमा सब जगह, हम ये है, हम इतना डिग्री है, हम इतना किस किया, ये किया वो किया, महाराज जी कभी नहीं बोलते। मैं जो बोल रहा हूँ अत्युक्ति नहीं है, महाराज को पूछ के देखना, गुरु जी महाराज जी बिना सोते नहीं थे। ये महाराज जी कभी बोले, कभी नहीं बोले। मैं जानता तो मैं महाराज जी के साथ एक साथ बचपन से हूँ, महाराज जी हमसे 4-5 साल पहले आए मथुरा में, लेकिन महाराज जी को तो जानता हूँ। फिर गुरु तेल मालिश के लिए कभी महाराज जी को महाराज जी बोले जी हमारे बिना कभी तेल नहीं लगाते थे, लेकिन गुरु जी इनके बिना पसंद नहीं है ज़्यादा, अरे ज़्यादा भीड़ हट जाओ, लात मार के हटा देते थे, लेकिन बोलते रस रज को बुलाओ। महाराज जी स्पर्श मुनि ना, जो आप लोग जो स्पर्श मुनि का शब्द बोले ना, गुरु जी बनाया इनको स्पर्श मुनि। मैं खुद देखा हूँ, मैं सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं रह करके साथ में देख करके बोल रहा हूँ। ठीक है, प्राकृत रस सिंधु श्री रूपानुगवराजते श्रीमान भक्तवृंद वामन गोस्वामी नामिनी नमाम विष्णुवादाय चैतन्य पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमान भक्तवेदांत नारायण गोस्वामी नामिनी दुर्गमे पतिवंद सखलात् पादवतेर्मुहु सकृपया जश्चिदानन संत संत अवलंबनम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्यवाद श्रील सिद्धांत महाराज जी का आदेश है, श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी का शतवार्षिकी उपलक्ष्य में उनके जीवन में कुछ कीर्तन करने के लिए। श्री बावन गोस्वामी महाराज जी को इस जगत में आने से पहले से, उस समय भारत स्वाधीन नहीं हुआ, 1937 से पहले का बात है, प्रभुपाद बांग्लादेश बोलो पाकिस्तान बोलो सब भारत के अंतर्गत थे। तो उस समय प्रभुपाद का प्रचार बांग्लादेश में, बंगाल में और सब जगह में था। बांग्लादेश में, बांग्लादेश को गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ महाप्रभु का जन्म तो नवद्वीप में हुआ, लेकिन उससे पहले महाप्रभु सब बांग्लादेश में ही थे।
वहाँ महाप्रभु का बहुत सारे परिकर, बांग्लादेश में ही जन्म स्थान है, महाराज जी का गुरु जी, हमारे गुरु जी, परम गुरु जी हमारे केशव गोस्वामी महाराज और बहुत सारे। तो बांग्लादेश को गुप्त वृंदावन बोला जाता था। जगत गुरु सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब बांग्लादेश में प्रचार में जाते थे, हमारे गुरु महाराज जी का गांव में ही ज़्यादा उनका पसंद था। वहाँ से बहुत सारे वैष्णव मठ में आए, मठ में मठवासी गृहस्थ तो है ही है, तो वहाँ बहुत सारे शिष्य है। तो हमारे गुरु जी का माता पिता प्रभुपाद का आश्रित है, पिताजी दीक्षा नहीं लेते किसी कारणवश तो, लेकिन बाकी सब सारे सब हमारे प्रभु जगतगुरु प्रभुपाद जी का ही आश्रित है। तो उस समय का बहुत कठिन नियम था, स्त्री सब दूर रहते थे, साधु संतों के पास में आके सेवा करना बहुत निषिद्ध था, और मठ में आके तो और ज़्यादा कठिन था। लेकिन जब प्रचार में जाते थे, जब उनके घर में रुकते थे, श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुजी का माँ को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, और उनके घर में ज़्यादा रुकते थे। हमारे गुरु महाराज जी की माँ सारा सेवा, उनका सेवा से देखिए, महाराज जी के मुख से आप लोग सब सुने हरि कथा में, सेवा से सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते। गोलोक वृंदावन में क्या है, वहाँ तो सारा ही सेवा है, 300 करोड़ गोपियाँ है, सारे सेवाएँ तो है, अलग अलग गोष्ठी, अलग अलग मंजरी, अलग अलग क्या क्या सब है सारे, खाली वहाँ सेवा ही है। महाप्रभु का परिकर में देखिए, जितने सारे महाप्रभु के परिकर बंगाल में है, वो पुरी में गंभीरा में महाप्रभु के पास, महाप्रभु के जो दर्शन के लिए जाते थे, रथ यात्रा के लिए जाते थे, तो सारे तो सेवा उपकरण लेकर के, जो ऐसा ऐसा चीज़ खाने का चीज़ बना के लेके जाते थे जो साल भर भी रह सकता है। तो सेवा ऐसा चीज़ है, सेवा से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते। हनुमान जी के जीवन में देखिए, ब्रज में सब कुछ सारे जगह महाप्रभु की लीला में, रामलीला में, साबरी ने कहाँ जंगल में सेवा करे, कौन सा जाति के ठीक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, केवल गुरु निष्ठा उनको, उनके अंदर जो गुरु निष्ठा था, भगवान को कहाँ से आकर्षण करके, अयोध्या से कहाँ जंगल में जाके श्री राम प्रभु ढूंढ रहे सवरी का आश्रम कहाँ है, और उनका झूठा भी खा रहे हैं इस सेवा से। उनका सेवा गुरुजी ने आदेश दिया था ना, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, जंगल में क्या है, कुछ तो है नहीं, फूल है, फूल मिलेगा, पानी थोड़ा बहुत, फल पत्ता मूल ये सब मिलेगा, उसी से रास्ता बनाया, उसी से आसन बनाया, उसी से ही सब कुछ। और भगवान उसको कैसे स्वीकार किया सब लोगों को पता है। तो हमारे गुरुजी का माँ प्रभुपाद, और प्रभुपाद तो अकेले जाते नहीं थे, उनके साथ 15-20 ब्रह्मचारी जाते थे, और महाराज जी का गुरुजी जो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज जी का गुरुजी, वहाँ प्रभुपाद जी के समय भी जाते थे जाके, वो तो ऐसा प्रचार कर दिया पूरा बंगाल को हिला दिया। अब लोग सुने होंगे जो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी वो विवेकानंद के विरुद्ध में बोला है, विवेकानंद क्या क्या बोले, सत्य बात ही बोले है वो सब, ब्रह्म वो क्या आर्य समाज वाले है वो सब, कलकत्ता में जितना वो महापुरुष बोलते हैं ना, मैं तो जब पढ़ाई करता था उस इतिहास में सबको पढ़ता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गौड़ीमठ में आकर के देखा है ये सारे तो सब ब्रह्मवादी, भगवान को मानते नहीं है, साधारण जीव मनुष्य महापुरुष ऐसा ही कुछ बोल देते हैं, कुछ अच्छा किया असुर मारा इत्यादि इत्यादि, तो भगवान नहीं मानते हैं। तो उसको खंडन किया महाराज जी का गुरु जी प्रभुपाद, बहुत उनको धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया, हमारे सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी लाखों रुपये का प्रचार कर दिया, ये सब स्थान है। तो हमारे गुरु महाराज जी के वहाँ ऐसा सेवा करते करते, जब हमारे गुरु महाराज जी उस समय जन्म नहीं हुआ, फिर जब नवद्वीप परिक्रमा होता था, सारे गांव वाले जैसे महाप्रभु के लिए पुरी में जाते थे, सारे शिवासन
सेन शिवानंद प्रभु शिवास पंडित सब लेके जाते थे, अद्वैत प्रभु लेके जाते, ऐसे ही बंगाल बांग्लादेश से नवदीप परिक्रमा के लिए आते थे। मेरी गुरुजी का माँ सेवा से इतना प्रसन्न कर लिया, परिक्रमा से 15-20 दिन पहले आकर के मठ का सारा सफाई सुथरा, परिक्रमा होगा ना नवदीप परिक्रमा, उस समय 400-500 लोग बहुत होते थे, अभी तो 4-5 हज़ार लोग कम है, तो 400-500 लोग परिक्रमा करेंगे, तो सारा मठ सफाई फफाई हमारे गुरुजी की माँ के लिए कोई माना नहीं करते थे, वो सेवा से सबको इतना प्रसन्न कर लिया। तो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुजी को माँ को एक दिन बोले, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ पावना है, इतना ही बोले। अभी उनका दिमाग में वही घूम रहा है, क्या गुरुजी हमसे कुछ मांग रहे हैं, पावना है कैसे, क्या चीज़ कब लेंगे, अभी दिमाग में वो बात घूम रही। ऐसे करते 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 हमारे गुरुजी का जब जन्म हुआ, जन्म से पहले हमारे गुरुजी का माँ ने मुख से सुना, बोले ये तुम लोगों का जो गुरुजी है ना, ये बामना, हमारे गुरु महाराज जी का माँ बोलते थे बामना, बोलते बामना जब जन्म नहीं हुआ ना, 3 महीना में मेरा गर्भ में जब थे, वो जी का प्रसाद, प्रभुपाद जी का थाली, जो प्रसाद का थाली हमारे गुरु जी का माँ को धोने देते थे, जबकि इतना कठोर पहले आ जाती थी, तो उनको दूध वूध पिला के सुला के कहाँ रखेंगे, अभी छोटा बच्चा कहाँ छोड़ेंगे। प्रभुपाद जी का भजन कुटीर था, उसके बाद बीच में एक गली था, फिर हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी का भजन कुटीर था, प्रभुपाद जी का बरामदा में सुला देते थे, वहीं सुला के, और गुरु जी के माँ बिल्कुल निश्चिंत हो जाते थे, और अंदर थे प्रभुपाद भजन कर रहे हैं। जब उनका माँ वहाँ छोड़ करके सेवा में व्यस्त हो जाते थे, प्रभुपाद अपने आप अपने घर से कमरे से बाहर आ करके बरामदा में टहलते थे और हरिनाम करते थे, और जो पावना था बोले थे ना, उसी को ही पहराधारी करते थे प्रभुपाद, स्वयं प्रभुपाद वहीं टहल के बाहर नहीं आते थे, भजन अंदर ही करते थे, लेकिन जब गुरुजी के माँ गुरुजी को बरामदा में सुला के चले जाते थे अपने सेवा करने के लिए, तब गुरुजी प्रभुपाद आकर के टहलते थे और पहराधारी करते थे। ऐसे करते करते जब बड़े हो गए, हर साल परिक्रमा आते थे, प्रभुपाद जी के इस परिक्रमा के समय वो डेट फेट है, डेट लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी का उस समय 4 भाई पैदा हो गए, तो हमारे गुरुजी का माँ को सबसे ज़्यादा प्यारा था ये संतोष, इनका बचपन से इनका इतना सुंदर, नवद्वीप में अभी भी जाकर के पुराने पुराने लोगों को पूछ सकते हो कि ये देवानंद गौड़ी मठ का ये जो बामन महाराज जी थे, ये यंग अवस्था में कैसे थे, अभी भी पुराने लोग बोलते हैं कि ये बामन महाराज ना, उन लोगों का जब यंग थे 25-26-30 साल थे, तो बोलते थे ये बामन महाराज ना ये साधारण व्यक्ति नहीं है, देखने में इतना सुंदर कोई देवता होगा, ऐसा उन लोगों का धारणा था। और पूरा नवद्वीप में इतना शिष्य हमारे गुरुजी का था, उनका दर्शन उनका आकर्षण अभी भी, जब वो मठ में है 3 ब्रह्मचारी, एक तो शरीर छोड़ दिया, 2 अभी भी है, गुरुजी जब एक जगह प्रचार में गए, घर के सब लोग अगर के बांग्ला में ऐसा नियम है, कोई साधु आते हैं तो आरती करते हैं, उनका चरण धोते हैं, और छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो खेलते हैं इधर, तो घर जिस घर में गए उस घर के बच्चे लोगों को बोला, हे साधु बाबा, उधर साधु बाबा ज़्यादा बोलते हैं, साधु बाबा है, उसको प्रणाम किया है, तो 3-4 बच्चा खेल रहा था, वो दौड़ के आए, चल चल साधु बाबा जी टॉफी लेंगे प्रणाम करेंगे, और वो सीधा चरण में लेट गए, और छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा चंचल होते हैं ना, वो तो चरण पकड़ करके ना ऐसे दबा रहे हैं, इतना सॉफ्ट गुरु जी का सियांगो, महापुरुष का जो लक्षण होता है ऐसा होता है, तो इतना सॉफ्ट है उनका चरण, तो छोटे छोटे 4 जन बच्चे लेटे लेटे बोले अरे ये
उस बच्चे लेटे लेटे और एक दूसरे को बोलने, देखा कितना नरम है, कितना सुंदर है, देखा। तो वो चार जन के चार जन ब्रह्मचारी मठ में आ गए थे। जो चार जन वो जो चरण दबा रहे थे ना, इतना सॉफ्ट है, कितना नरम है, देख, एक दूसरे को मजाक जैसा। वो चार जन ही मठ में आ गए थे, तो अभी भी है वो। तीन जन चले गए, एक जन है। तो जब गुरुजी धीरे धीरे बड़े हो गए, 9 साल के हो गए, जब मठ में आ गए, गुरुजी जब वो भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट है, जोगपीठ के पास में जो तालाब है, तालाब के बगल में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ जो जितना प्रचारक थे ना, जितना टीचर थे उस स्कूल का, सारे गौड़ी मठ के महाराज, परम गुरु जी का बड़े भाई ओवलो महाराज, सारे महाराज जी का, भारती महाराज, तीर्थ गोस्वामी महाराज, सारे मठ के भवन गोस्वामी महाराज, मठ के सब महाराज लोग टीचर थे। तो हमारे गुरु जी जब स्कूल जाते थे, उसी समय उनका क्लास का सारा पढ़ाई हो जाता था। पढ़ के जब मठ घर आ जाते थे, उनको कभी खोल के देखना नहीं पड़ता था। तो उस समय कोई पूछते हैं तो उस समय क्या करते थे संतोष ब्रह्मचारी बावन गोस्वामी महाराज, उस समय क्या करते थे, गुरुजी खुद बोलते हैं, अपना डायरी में भी लिखा हुआ अभी भी, बोलते मैं गुरुजी को, हम लोग पूछता था, गुरुजी आप मठ में आकर किस में इतना बिजी रहते थे, बोले मैं सेवा करता था। क्या सेवा? रात को जैसे नवीन बाबू बोले ना, टॉयलेट उसको रात को करते थे। उस समय वो गमला वाला होता था, टॉयलेट खाट क्या नाम था, हाँ, मटका वाला रखता थे। तो दिन में क्या करते थे, मायापुर जो मठ है, पूरा मठ पूरा तो मायापुर महाप्रभु का ही थे, जोगपीठ का अंडर में था। तो जब दोपहर को गुरु महाराज जी थैला लेकर के उसमें रस्सी बांध देता था, और एक तरफ अपना कोमर में बांध लिया और दूसरा तरफ बैग में बांधा हुआ है, पेड़ में चढ़ के और वो रस्सी खींचता था, बैग ऊपर आ जाता था। पेड़ से, सारे पेड़ से चीकू, अमरूद और जो जो आम पेड़ से पका पका फल तोड़ के लाके नरहरी सेवा विग्रह, जो प्रभुपाद जी के समय चैतन्य मठ के माँ थे, उनको देते थे। वो भोग लगा के प्रभुपाद को प्रसाद देते थे, सारे वैष्णव सेवा वैष्णव लोगों को देते थे। तो गुरुजी बोले मैं पेड़ में चढ़ता था, कभी देखता नहीं था कौन सा डाल टूट जाएगा, मैं देखता था कौन सा फल पका पका अच्छा, जो पका पका फल उसको तोड़ना। बोलते मैं गिन के 18 बार डाल टूट के गिर गया, और मेरे को कभी मैं जमीन में टच नहीं हुआ। गुरुजी बोलते थे मैं कभी जमीन में नहीं गिरा, लेकिन पेड़ टूट के गिर गया। मेरे को लगता था मेरे को कोई पकड़ लिया, या कोई सॉफ्ट जगह में मैं गिरा, जमीन में टच नहीं हुआ। थोड़ा बहुत खरोंच आया, लेकिन कभी जमीन में मैं कभी नहीं गिरा। गुरुजी अपना जीवनी में लिख के रखा, और बोलते हम लोग पूछता था तो गुरुजी यही बोलते थे। गुरुजी बोलते थे देखो तुम लोग विश्वास करो मेरे बात पर, तुम लोग हमारा शिष्य है, तो मेरा हड्डी मांस खून जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी का प्रसाद से बना है, तुम लोग विश्वास करोगे? प्रसाद से बना है हमारा शरीर, तन मन धन, और मैं जो बोलता हूँ सारे प्रभुपाद जी का भाषा है। बाद में कुछ विदेशी भक्त लोग आए गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए, गुरुजी इंग्लिश में जब बोलते थे, वो लोग बोलते थे कि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ऐसा शब्द देखा नहीं है जो बावन गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं। तो कभी कभी कोई पूछते थे महाराज जी आप ये भाषा कहाँ से बोलते, बोले ये भाषा मैं हमारे प्रभुपाद जी से सुन के, वही मुझे याद है, वही बोलता हूँ मैं। मैं दूसरे को भाषा, मेरा सब कुछ प्रभुपाद का है, गुरुवर्गों का देन है, हमारे अंदर कुछ है नहीं। तो जब गुरुजी उस चैतन्य भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में जब माध्यमिक 10वीं क्लास पास किया, उस समय हमारे समय में भी देखा 2-3 जिला में एक साथ बोर्ड का एग्जाम होता था 10th क्लास का। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, हुगली डिस्ट्रिक्ट और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट मिल करके पर जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में
हमारे गुरु जी का जब रिजल्ट आया, ओल्डलोई महाराज हेड मास्टर थे, वो जब रिजल्ट ला करके देखा ये तो सबसे टॉप आया, रिजल्ट लेकर के प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद देख के पढ़ के देखा खूब खुश हो गए। प्रभुपाद बोले बुलाओ उसको। तो उस समय प्रभुपाद जी के समय में छोटे छोटे बच्चा भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और अक्षय प्रभु थे और वैष्णव दास प्रभु थे और भी छोटे छोटे कई जन थे, केवल दो ही टीके थे, बाकी तो बाद में चले गए थे। जो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज लास्ट तो थे और हमारे गुरु महाराज जी को वहाँ जब बहुत सारे महाराज लोग खड़े हैं और हमारे गुरु जी को जब पूछा तुम तो पढ़ता नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा, तुम तो फेल हो जाएगा, तो हमारे गुरु महाराज जी हिम्मत से बोले प्रभुपाद आपके चरण में जो शरण लेगा वो कभी फेल नहीं होगा। प्रभुपाद उनका ये शब्द सुन करके ना गदगद हो गए प्रभुपाद उनको लेकर के। उससे पहले बात जब दसवीं में जो महाराज की जो बात सुनाते हैं ना, ये महाराज जी जब स्कूल में पढ़ने जाते थे जितने समय केवल स्कूल में पढ़ते तो उतना समय, लेकिन मंदिर में रहते थे, ब्रह्मचारी थे बचपन में, लेकिन मंदिर में कभी उन्होंने पुस्तक नहीं खोलते थे, एकदम पुस्तक नहीं खोलते थे। मंदिर में आकर दिन भर साधु संत की सेवा और ये ठाकुर की सेवा में ही डूबे रहते, दिन रात ठाकुर की सेवा साधु संत की सेवा करते थे हैं? और सारे वैष्णव लोगों का सेवा करते थे, इसलिए उन्होंने एक एक वैष्णव की सेवा करते हुए कहते एक एक सिद्धांत, उन्होंने एक एक वैष्णव को सेवा करते हुए अलग अलग सिद्धांत सीखा। और जब कोई साधु हृदय से आशीर्वाद करता है, भगवान का निवास कहाँ पर है, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, कितना संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है। जब कोई साधु किसको पर कृपा करता है, फिर कौन कृपा करता है, और ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए जब बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट आए, प्रभुपाद के पास में आए, बोले संतोष तुमने फेल हो गया, संतोष तुम्हें तो फेल हो गया, लेकिन फर्स्ट आए बड़ा बोर्ड परीक्षा में। लेकिन वो कहते जो साधु संतों की सेवा करते हैं और गुरु जी की सेवा करते, वो कभी फेल हो नहीं सकता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। जो साधु संत की सेवा को कभी जीवन में कभी फैल नहीं तो हर समय सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे सारा जीवन उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा करते करते सारा जीवन उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा में ही लगा दिए। इसलिए उस समय और भी कुछ बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई भी मंदिर में रहते थे, लेकिन वो कहते थे केवल मैं एक टिक गया और सबके सब मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे वो मंदिर में रहते सबके सब चले गए। बोले क्यों, बोले मैंने साधु संतों को सेवा की, ठाकुर जी को सेवा को ही मैंने मुख्य बनाया, पढ़ने को मैंने मुख्य नहीं बनाया, साधु संत की सेवा को मैंने मुख्य बनाया, इसलिए कहते मैं टिक गया और सबके सब मंदिर चले गए। अगर हम चाहते हैं सचमुच से हृदय में हमारी भक्ति प्रकाशित हो, प्रेम प्रकाशित हो, ना क्या करनी चाहिए, खूब जी भर करके ठाकुर को सेवा करो, खूब सब ठाकुर सेवा करो। इसलिए शास्त्र कहता है जम्मे वैसे विरणुत तेन लग रसई से आत्मा विभृणुत तनुष्याम, मतलब है कहते ये ब्रह्म विद्या जीव को कब मिलेगा, कब जब भगवान उसको देंगे, कितना सही जाने जा रहे देहु जनाए, उनको वही पहचान सकते हैं जिसको ठाकुर जी कृपा करके अपने आप को जना दे। लेकिन वो जनाएंगे कब, जो ठाकुर को जब सेवा करेंगे, ठाकुर के जब हम सेवा करेंगे हृदय में, अपनी आप हृदय में सब कुछ चीज स्फूर्ति होगा, आप स्वयं देख लेना। इसलिए क्या करनी चाहिए, इनके जीवन से सीखा है, कहते इनका जीवन को नारद जी की चरित्र को साथ में उदाहरण देते हैं। नारद जैसे बचपन में संतों की सेवा करते हुए, इसलिए नारद जी व्यास देव को कह रहे, बोले व्यास देव मैं अपना हृदय की बात उनको बताता हूँ, केवल संतों की सेवा करते हुए आज कितना बड़ा मैंने संत बना, केवल संतों की सेवा करते हुए। अगर हम जिंदगी में बड़ा बनना चाहते क्या करनी चाहिए, संतों के ठाकुर को हमें सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक इन्होंने इतने जीवों को उन्होंने उद्धार किया, इतने जीव का ठाकुर जिनको स्वप्न देते थे, अगर किसी जगन्नाथपुरी में कौन कौन गए, जगन्नाथपुरी में
वहां पर टूटा का बिना देखे हो ठाकुर जी को खड़े हुए थे जो बैठे हुए थे। ये ठाकुर जी को एक समय ठाकुर जी को किया हुआ हमारे नारायण गोस्वामी महाराज बावन सब महाराज वहां पर थे। ठाकुर का विग्रह स्थापन हो रही थी वहां पर ठाकुर जी को स्वप्न दिया मृत्यु आकर के मेरे को देख मेरे को कैसे कपड़ा पहना है पट्टे पुट्टे कपड़ा पहना है इसलिए मेरे लिए एक कपड़ा ले आओ तुम तो वहां ठाकुर जी के लिए कपड़ा नया बनाया मैं तो यहाँ फट्टे फुटे कपड़े में पहना बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने जाकर मार्केट से नए कपड़े लाए नए कपड़े लेकर गए और वहां पर पुजारी को बोले कि नया कपड़ा लो ठाकुर को पहना दो और ठाकुर का पुराना कपड़ा मेरे को दो। देखा सचमुच से वो कपड़ा फटाफटा कपड़ा वो कपड़ा फटाफटा कपड़ा था वो जो पुराना जो कपड़ा फटा हुआ है ना वो 60-65 साल पुराना और कभी आप लोग गोवर्धन में आएंगे तो दर्शन कराएंगे उसको वो इतना दिन वो हमारे गुरु महाराज जी से उसी समय एक गुरु जी का गुरु भाई वो मांग लिए थे मांग के वो गोपन रखा था किसी को बोला नहीं तो अभी वो जाने वाले है दुनिया छोड़ के तो वो मेरे को दे दिया। वो साड़ी में इतना सुंदर डिजाइन है ना इतनी साल पुराना और चांदी का डिजाइन है वो उस समय सस्ता था तो चांदी का डिजाइन है और बिल्कुल डीप ब्लू है इसलिए आप आएंगे तो कभी वृंदावन में गोवर्धन मठ में जाएंगे दर्शन करके आना वो कपड़ा जो ठाकुर जी स्वप्न दिया। एक समय नवद्वीप परिक्रमा हो रही थी अभी गुरु जी सोच रहे थे ठाकुर जी के लिए कोई नया ड्रेस नहीं सब पुराना ड्रेस है ठाकुर जी जैसे जन्मदिन में हम बच्चे का बर्थडे बनाते ना बच्चों के लिए नया कपड़ा पहनाते अभी इनकी मन में इच्छा हुई अभी ठाकुर जी के लिए कोई कपड़ा नहीं ठाकुर जी स्वयं एक माता जी के रूप धारण करता है माँ के रूप धारण करता है और इन्होंने 5,000 रुपया उन्होंने सोच रहे थे एक सेट ठाकुर जी की एक सेट कपड़ा के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए 5,000 रुपया चाहिए और ठाकुर जी ना स्वयं आकर के 5,000 रुपया उनका हाथ में पकड़वा गए ठाकुर जी स्वयं पकड़वा रखे लो ठाकुर जी के लिए क्या कर ड्रेस बना दो। अभी महाराज का स्वभाव है अगर कोई व्यक्ति कुछ ठाकुर के लिए लाए ना उसका हाथ में प्रसाद देते हैं जब उन्होंने देखा 5,000 रुपया बोले भैया जब ये प्रसाद लेकर के उसको दे करके आओ अभी अभी उतरे जब वो सेवक आया ढूंढने के लिए उतरा वो है नहीं बोले वो कौन थे वो ठाकुर जी थे। अगर ठाकुर जी को कभी उन्होंने ठाकुर जी को अगर कभी जला हुआ चीज कोई सेवक होते ना तो आप चावल बनाया किसी तरह से नीचे लग गया दो बार कौन बनाता है दोबार उसको ही भोग लगा दो लेकिन उसमें क्या रहा था जलने का खुशबू आ रही थी ठाकुर जी को भोग लगा दिया ठाकुर जी स्वप्न दिए बोले मेरे को देखते हो ठाकुर मेरे को क्या भोग लगता है मेरे को जला हुआ चीज भोग लगा रहा है इसने ठाकुर जी स्वप्न देते थे उनको कभी उन्होंने ठाकुर जी को नवद्वीप मठ में तो गए होंगे जो देवान तो गौड़ी मठ में जाते वहां पर क्या होता था वहां पर पहले बड़े सीधा साधा रूप में लोग रहते थे क्योंकि जो भिक्षा में आता था उसको ही रोसी बना देते थे बाग बगीचा में वहां पर देखे होंगे जो पर वहां पर साग सब्जी वही बना करके ठाकुर को भोग लगाते थे। इनको ठाकुर जी स्वप्न दिया बोले तू मेरे को देखता है कि नहीं मैं क्या खा रहा हूँ तो देख आ करके मेरे को जैसे तैसे भोग लगा देते हैं वो पुराना चावल जैसे मोटी मोटी आप जैसे तैसे मेरे को खाना खिलाते आजकल देख मेरे को क्या भोग लगता है सचमुच से उन्होंने आकर के देखा एकदम मोटे मोटे जैसे कौन नवद्वीप परिक्रमा में गए देखे ना वो बंगाली भक्तों को जो इतना मोटे मोटे चावल खिलाते हैं ना बोले वही मोटे मोटे चावल और जैसे तैसे साग सब्जी वो देते हैं उन्होंने तब से बोले नहीं आज से ठाकुर जी के लिए अलग वहां पर एक स्पेशल चावल है जिसका नाम गोविंद भोग चा गोविंद भोग मतलब इतने खुशबू है ना अगर इसको रसोई यहाँ बनाओगे पूरा पता चले जाएगा जैसे बासमती चावल का खुशबू आती है ना उससे भी ज्यादा खुशबू चावल बोले देखो तुम लोग जो खाओ खाओ ठाकुर जी को रोज बढ़िया ठाकुर जी को सेवा होनी चाहिए उनके लिए अलग कुछ सब्जी कुछ भाजी भुजा ठाकुर जी के लिए अलग बनाया करो ठाकुर जी के लिए अलग बनाया करो इसलिए ठाकुर जी को जितने अच्छे तरह से आप लोग भी सीख लो ठाकुर जी को जितने अच्छे तरह से ठाकुर का सेवा करोगे आप देखना संसार में उतना ही तुम फलते फूलते रहोगे। अगर खूब चकाचक खा रहे हो लेकिन ठाकुर जी को कभी कभी प्याज लहसुन है खुद दाल धुल कर खाते हो ठाकुर को जैसे तैसे खिला दी बोले भैया अगर ठाकुर खुश नहीं रहेंगे ना
वो घर में तुम्हारी जो लक्ष्मी आ रही है वो लक्ष्मी भी तुम्हें खुश रहने दे देगी। लड़ाई झगड़ा अशांति मार पीट है केस मामला बगदवा लगा करके सारे पैसा तुम्हारी बह जाएगी। क्यों? वो लक्ष्मी ठाकुर की सेवा में नहीं लगती है। इसलिए इन्होंने इतने व्यक्तियों को उधार किया तो सोच नहीं सकते। गांव गांव में जाकर के इतने गुठन गुठन तक कीचड़ में जा जाकर के उन्होंने ऐसे उन्होंने प्रचार किया जो सोच नहीं सकते। ग्राम में हैं इतने परिक्रमा में इतने लोग आते थे नवद्वीप परिक्रमा में जो आप लोग तो किए नहीं। आप लोग ने अभी तक हमारे जो नारायण महाराज जो करते देखते उनको पहले जो मठ में था इतने लोग आते थे गांव गांव से वहां पर कथा गई। उन्होंने साधारण की साधारण घर में जाकर की एक समय एक जगह पर प्रचार करने के लिए गए वो नहीं देखते थे नहीं ये पैसा वाला व्यक्ति इनकी घर में रहनी चाहिए। अरे जैसे जैसे व्यक्ति इस घर में कैसे रहेंगे कभी नहीं देखते थे कभी नहीं देखते थे। एक समय उनको साधारण की माता जी गाँव में उनको जो भूस में घर होता है वहां पर है अभी रात में जब रहे छत में फटा हुआ है रात में बारिश हुई तो रात भर छतरी लेकर बैठे रहे रात भर बारिश में छतरी लेकर बैठे लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किया। गांव में गए और कहीं पर उनने सोचा एक भक्त ने निमंत्रण दिया बोले आज हमारी घर तो इतना बढ़िया नहीं गांव में अमुक व्यक्ति का घर बढ़िया है वहां पर व्यवस्था की। लेकिन जब महाराज पहुंचे बोले महाराज जी मेरे घर अच्छा नहीं है आपके लिए मैंने बढ़िया घर की व्यवस्था की। बोले देखो मैं तुम्हारी घर में रहूंगा वहां नहीं जाऊंगा तुम्हारी घर में रहूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटी हो। दीक्षा मंत्र गुरु से ना मतलब होता है हमारे तुम बेटा और तुम बेटी बने हो। अगर पिताजी अपना बेटा बेटी को घर में रहेगा ना दूसरे घर में जाकर रहेगा या दूसरे घर में रहेगा तुम्हारा बेटा बेटी। इसलिए देखो पहले गांव था ना वहां पर पायखाना करने का व्यवस्था नहीं पानी लेकर लोटे में बाहर जाओ बोले यहीं पर तुम टाट में घेर दो यहीं पर मैं शौच क्रिया में जाऊंगा लेकिन तुम्हारी घर में रहूंगा। किसी भक्त घर में चूहा मर गया तो बदबू आ रहा था इनको साथ में जो सेवक लोग थे बोले प्रभु गुरु जी नाक फट रहा है आप कैसे यहाँ पर आ रहे हो। खबरदार बोलना नहीं चुपचाप रहो कितने गरीब व्यक्ति कितने कष्ट करके अपना घर में रुकवाया हमको है अगर उनको पता चलेगा इनको कष्ट हो रहा है उनको भी कष्ट होगा। मतलब इन्होंने ऐसे कठिन सह सह करके घर घर में जा करके वो महापुरुष ने प्रचार किया है महापुरुष ने प्रचार किया। और एक समय क्या हुआ बंगाल में तो लोग मांस मछली खाते हैं सिलीगुड़ी की बात है मांस मछली खाते हैं कहते हैं वहां की जो माता है ना बड़े सरल सी था और जो भक्ति करेंगे नहीं करेंगे नहीं जब करेंगे ना ऐसे भक्ति करेंगे जब छक्का छुड़ा देंगे इतने बढ़िया भक्ति करेंगे। अभी एक के पत्नी ने दीक्षा मंत्र ली नियम है दीक्षा मंत्र लेने के बाद मांस मछली बना नहीं सकते लेकिन पति खाता है मांस मछली और रोज उसको गाली दे कहां से तुमने दीक्षा मंत्र लिया क्या भंडे गुरु से मांस मछली नहीं खाएंगे रोज गाली कभी मारता पीटता है। एक दिन ये दुखी होकर के ना वो सोचा आज रात को मैं सुइसाइड कर दूं कितना सहन कर रोज रोज गाली मार पीट ये करता है आज मैं सुइसाइड कर दूं। उन्होंने सोच लिए जो सोच लिए अच्छा आज गुरु जी आए हुए सिलीगुड़ी में गुरु जी को दर्शन करके आज मैं सुइसाइड करूं आत्महत्या करूंगा। लेकिन जब गुरु जी को दर्शन करने आए ना बोले पागली गुरुदेव स्वयं घर अरे गुरुदेव स्वयं घर पागली तुमको पता है ये जीवन कितने कठिन से मिला है कहते लाख 84 ब्रह्म के ये नर तनु देही ये जीवन ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं कितने कष्ट से। और कोई सुइसाइड करता है प्रेत तो जोनी में जाता है बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कोई चिंता मत करो देखना कुछ दिन बाद में तुम्हारी पति इतना बड़ा भक्त बन जाएगा ना तेरे से भी बड़ा भक्त बनेगा तेरे से भी ज्यादा भक्त बनेगा तुम्हारी पति। इसलिए कोई चिंता मत करो सचमुच से उसका पति अभी हो पति पत्नी है हम सोच नहीं सकते इतना भक्ति बाद में ऐसे परिवर्तन हो गए। बोले केवल एक ही काम करो भगवान को प्रसाद लगाओ प्रसाद लगा कर केवल उनको खिलाओ केवल उनको प्रसाद लगा करके उनको खिलाओ क्योंकि वो अंदर से जैसे मेडिसिन खाते हैं ना वो अंदर से काम करता है। इसलिए केवल भगवान के प्रसाद खिलाओ देन अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए हमारे उनको गौड़ीय मठ का डिक्शनरी बोलते थे इतने स्मरण शक्ति खुद बोलते थे इतने श्लोक मेरे को याद है अगर मैं 7 दिन तक बोलूंगा ना ये श्लोक खत्म नहीं होगा 7 दिन तक अगर श्लोक बोलूंगा
हमें एक श्लोक याद करने के लिए हम हिमसिम खा जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे को इतने श्लोक याद, मैं 7 दिन तक बोलूंगा तुम्हारी श्लोक याद नहीं होगा। एक समय जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनको जो गुरु भाई लोग थे, तो एक समय बात कर रहे, अलग अलग सबों ने मंदिर बनाए, एक समय बात कर रहे थे, कितनी कीमती बात कर रहे थे। किसी को पूछा भैया तुम अपना शिष्य लोग के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हो? किसी ने बोला मैंने बैंक में इतने लाख रुपया छोड़ कर जा रहा हूँ, जैसे मंदिर की सेवा में कोई असुविधा नहीं हो। किसी ने बोला तुमने क्या छोड़ कर गए? बोला मैंने इतने प्रॉपर्टी, इतने बीघा प्रॉपर्टी मैंने छोड़ कर गया है, ठाकुर को नित्य निरंतर सेवा होती। अलग अलग बोले। जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके गुरुदेव को बोले भैया तुमने क्या छोड़ कर गए हो? बोले मैंने केवल एक, इनका जो भक्तिवेद बामन गोस्वामी महाराज, ये कितने सिद्धांत तत्व भी, उनको कहीं भी कहीं श्लोक पूछो, वेद पुराण उपनिषद कहीं से भी कहीं श्लोक पूछो, सारे श्लोक इनको याद है। जब भक्ति प्रज्ञान इनको गुरुदेव कथा करते थे, अगर श्लोक में कभी अटक गए ना, ये पूरी श्लोक ये सुनाया गया, पूरी श्लोक को सुना देते थे। जब इनको पूछा भैया तुमने क्या छोड़ कर जा रहे हो? बोले मैं एक भक्ति प्रज्ञान बामन गोस्वामी महाराज जी बोले एक में ये ग्रंथागार ये लाइब्रेरी को छोड़कर जा रहा हूँ। भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज ने ये लाइब्रेरी को छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने शिष्य के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं, ये लाइब्रेरी छोड़कर जा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी है, इसलिए जब तक रहेगा इसमें कोई दिक्कत न हो, मंदिर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये जो महापुरुष है अद्भुत इनकी महिमा, कभी कभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे मतलब इनकी इतने सेवा चेष्टा थी, मतलब जितने मंदिर में ब्रह्मचारी सन्यासी है, एक तराजू ले लो, एक तराजू को एक तरफ में इनकी सेवा चेष्टा है, और दूसरे तरफ में जितने मंदिर में ब्रह्मचारी सन्यासी का सेवा चेष्टा को अगर दूसरे तराजू में रख लोगे तो इनकी पला भारी पड़ेगा। वो कहते थे इनकी पला भारी पड़ेगा, इतने सेवा करते थे ये महापुरुष है। इसलिए उन्होंने प्रेस में कभी कभी काम करते करते इनका अंगुल कभी चली गई, पहले तो अब देखे होंगे प्रेस इतना बड़ा लोहा होता था, फट दिखता था, पता ना ऐसे ग्रंथ इनका अंगुल चला गया, जब अंगुल चला गया तो दब गया, उनको चिन्ह था दब गया, खून की बहने लग गया। जब इनकी गुरुदेव को पता चला, उन्होंने आकर उनको गोद में लेकर रोने लग गए, हाँ इनको लेकर रोने लग गए इनको, क्योंकि दिन रात इतने निरह ये सेवा करते थे, दिन रात इतने सेवा करते थे, गोद में लेकर रोने लग गए महापुरुष। अगर किसकी सेवा चेष्टा से अगर गुरुदेव खुश हो जाते हैं, मतलब गुरुदेव संतुष्ट हो जाना, मतलब क्या है, स्वयं भगवान खुश हो गए, ठाकुर जी स्वयं खुश हुए हैं। इसलिए एक समय इनको पूछे बोले बताओ, तो उन्होंने बहुत सारे भक्त लोग थे, उन्होंने पूछे बताओ भक्ति का डेफिनेशन क्या है, भक्ति की डेफिनेशन किया है, तब उन्होंने सब भक्तों को खड़े होकर भक्ति का बड़े डेफिनेशन बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए सारे अभिलाष को त्याग दो, भगवान कैसे प्रसन्न है उसके लिए कोशिश करो, है ज्ञान कर्म को छोड़ करके साफ परानुरक्ति ईश्वर भगवान में प्रेम भक्ति होनी चाहिए, जैसे उद्धव नारद की। लेकिन जब इनकी बारी आई ना, देखो ये क्या बोले, बोले अभी तक तो मैंने भगवान को देखा नहीं, हमने राम को भी नहीं देखा, कृष्ण को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा अभी तक, भक्ति के बारे में भक्ति का भाव पता नहीं। अगर मेरी सेवा चेष्टा से अगर मेरे गुरुदेव अगर प्रसन्न हो गए, तो मैं क्या समझो मेरी पूरी भक्ति हो गई, मेरी भक्ति पूरी हो गई। अगर मेरे गुरुदेव अगर हमारी सेवा चेष्टा से प्रसन्न हो गए, तो मेरे तुमने सही बताया। इसलिए महापुरुष कहते थे बोले भैया अभी तो राम कृष्ण तीर्थयात्रा जी को मैं राम आए, क्यों हम गुरु जी की चरण में इतने ऋणी, कहते थे क्यों हम गुरु जी की चरण में इतने ऋणी। देखो ध्यान देख रहे, वो क्या कहते थे बोले जब भगवान राम आए उसी समय में भी किसी ना किसी रूप में कीड़े मकोड़े बनकर के पेड़ पौधा बनकर के जरूर उस समय में होता होगा किसी पेड़ पौधा रूप में। जब भगवान कृष्ण आए तभी भी मैं किसी पेड़ पौधा पशु रूप में होता होगा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तभी मैंने भी किसी ना किसी रूप में होता होगा, जब छे गोस्वामी आए तभी मैं किसी ना किसी रूप में होता होगा, लेकिन किसी ने भी मेरी चोटी पकड़ करके माया से मेरे को कोई नहीं निकाले, निकाले तो मेरे को किसने निकाले, मेरे श्री गुरुपाद पद्म हमको निकाले, गुरुपाद पद्म हमको ये माया से
गुरु जी हमें निकाले, इसलिए हम वो कहते थे इसलिए हम गुरु जी के चरण में इतने ऋणी हैं, गुरु जी के चरण में इतने ऋणी, इसलिए ये महापुरुष दूसरों को तो कल्याण किया ही, क्या कर रहे हो, इसलिए माइक वाले हाँ, इसलिए कहते दूसरों को कल्याण तो किया है, दूसरों को तो कल्याण किया, यहां तक भी उन्होंने प्रेतों को भी कल्याण किया, किसका उन्होंने, भूतों को भी उन्होंने उद्धार किया है, हैं? इसलिए वृंदावन में हमारे कोई एक ब्रह्मचर्य कहीं बाहर रहता था, वो गया था दिन दो पर जो कैसी घाट जहां शमशान है ना, नहाने के लिए गया था, भूत पत्नी ने पकड़ लिया, वो पत्नी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के सुख साथ में घर में आ गई, इतने उत्पात मचाई, बहुत लंबी गाड़ी सुनोगे तो एक दो घंटा लगेगा, पूरा एक सिनेमा बनी जाएगी, हैं? वो कोई थी दिल्ली की कोई एक लड़की थी, किसी लड़का को वो प्रेम करती थी, वो लड़का ने वो लड़की को धोखे दे दिए, धोखे दे दिए, दुखी होकर के गई वृंदावन में बस में घूमने गई, जो ब्राह्मण घर की थी उसने कैसी घाट में आत्महत्या की थी, और आत्महत्या करके भटक रही थी, है? और ये गया था स्नान करने के लिए, इसको मोटे छोटे सुंदर देख करके बास को पकड़ लिया, ए, रात को बीच में आकर उसके साथ में सोया करती थी, प्रतात्मा सोया करती थी उसके साथ में, कभी उसको पीठ में बैठा करके भूत लोग मिले थे, बहुत लंबी कथा सुनकर दंग रह जाओगी उसकी कथा, अद्भुत बड़ी प्यारी प्यारी कथा है, अद्भुत अद्भुत कथा है, सुनो तो इतने पूरा भूत लोग में ले जाती थी, और उसकी जो खाने पीने की इच्छा ना ला करके तकिया पर पैसा खाने पीने का चीज रख करके जब जाते प्रतिदिन, है? जब इतने बहुत परेशानी की थी, इतने में हमारे जो परमेश्वरी प्रभु वृंदावन है आप जानते होंगे, तब उन्होंने जब उनको इतना परेशानी किया, फिर उन्होंने बोले वो पत्नी को पूछो क्या वो कल्याण नहीं चाह रही, क्या ऐसे प्रेत जन्म में भटकनी चाहती है, और एक दिन इसको मार करके ले जाती हो, बोले इसको पूछ लेना, देखो क्या कहती है, बोले हाँ मैं भी चाहते हूँ उधार हो जाए, लेकिन तुम्हारी गुरु जी की चरणामृत से उधार होगी, तुम्हारी गुरु जी की चरणामृत से उधार होगी, लेकिन गुरुदेव उस समय नहीं उस वहां पर, गुरु जी बामन और कहीं थे, लेकिन हमारे मंदिर में एक बाबा जी महाराज, जब बामन गोस्वामी महाराज आए तो उनका चरण धो गए, उन्होंने चरणामृत के बोतल में रखा था, लेकिन वो पत्नी को पता है, बोले नहीं अभी तुम्हारी बाबा जी महाराज घर को नीचे खटिया को नीचे जब गुरु जी आए थे उन्होंने चरण धो करके अभी भी वो चरणामृत हुआ रखा हुआ, वो चरणामृत को ला करके मेरे को यहाँ पर दे दो और मेरी उधार हो जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रेत प्रेतों को उन्होंने शादी भी दिया है, प्रेतों को उन्होंने शादी कितने बार भूत सुनोगे ना, भूत की भूत कथा सुनते रहोगे, और कैसे भूतों को किसी आ रही थी किसी बारात आ रही थी बीच में बिजली गिरी तो सबके सब खत्म हो गए, सब मर गए, और ये जा रहे थे बड़े रात को किसी कोट बजरी का काम में, जब आए देखा धूमधाम भैया लाइट जल रहे हैं गाजे बाजे को साथ में शादी हो रही है, बोले भैया तो घोर जंगल यहाँ शादी कैसे हो रही है, फिर उन्होंने आकर के बोले बाबा बाबा हमारी, क्योंकि वो आ रही थी दूल्हा दुल्ही दोनों आ रही थी मर जाते भी, वो बिजली गिरी तो शादी खत्म हो दोनों मर गए, और प्रेत बने गए शादी हुई नहीं, ये सब जानते थे मंत्र को द्वारा, बोले बाबा बाबा हमारी बेटी की शादी करा दो आप आकर, उनको तो पता नहीं चला क्यों धूमधाम लाइट जल रहा है, और बोले फिर गए वेद मंत्र से शादी की, और उनको ऐसे फल दिया ना अपशन जी का फल टोकरी में भर करके, और वहां से चल करके जाएंगे तो एक घंटा दूरी, और घोड़ा घाड़ी बनाकर 5 मिनट में उनको पहुंचा दिया, 5 मिनट में, बोले ये क्या 5 मिनट में, एक घंटा का रास्ता 5 मिनट कैसे पहुंच गए, और इतने सारे फल सवेरे जहां पर गए बड़े रात में वापस गए, बोले तू इतना लाट में क्या कर रहा था, बोले कल से सवेरे बताऊंगा क्या हुआ नहीं हुआ, कल सवेरे में सब बात बताऊंगा, अभी मत सुना कर तुमको नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, सवेरे हुई ना, हाँ सवेरे हुई बोली मैं आ रहा था वो देखा जंगल में बड़े सुंदर मकान बना हुआ शादी धूमधाम से मच रहा था वहां पर कोई घर, बोले नहीं बात कुछ नहीं था वो तो भूत प्रेत रहते वहां पर, तो बारात आ रही थी वहीं पर बिजली गिरते सब से मर गए थे, ओ इसीलिए मैंने के मतलब इनकी शादी करने पर वो जो दूल्हा दुल्हन ने इनकी शादी उनके भी कल्याण कर दिया, शादी करा दिया मतलब वेद मंत्र सुना उनका भी, इतने प्रेत प्रेतात्मा को भी हम जैसे जीवात्मा को उद्धार किए ही है उनने बहुत श्री प्रेतात्मा को भी उन्होंने उद्धार कर दिया, ऐसे श्री महापुरुष ने भक्ति वेदांत सिंह बामन गोस्वामी महाराज जिनकी बहुत सारी कथा कल और भी वैष्णव लोग आएंगे दिव्य प्रभु कल आपको और बहुत सारी कथा उन्होंने सुनाएंगे, इसलिए हमारे बीच में कुछ कुछ बच्चे लोग गए
इसलिए कल इनको सुजोग नहीं मिलेगा कि बच्चे भी थोड़े थोड़े बोलते हाँ हमारे चिराग आ जाए आ जाए अजय प्रभु जी है इधर तुम भी आज तुम और हमारे गौर सुंदर है सबको बुला दो सब लोग थोड़ा थोड़ा बोल दो कल बरसले भक्ति विकास श्री रामानंद गोस्वामी महाराज की हाँ इधर देखो ये जो जो ये जो सुंदर यहाँ पर कुंज बना सुंदर अब बढ़िया लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है जान तो आज किसने बनाया क्या हमारे श्री सुदाम भैया चले गए अंदर चले गए कहाँ चले गए अंदर चले गए घूमन कहाँ बुलाओ 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 अरे हमारे गौर सुंदर प्रभु इन लोगों ने सवेरे 5 बजे गए कहाँ पर मंडी दिल्ली और वहाँ से फूल लेकर के आए उसके बाद में विश्राम नहीं किया भोजन नहीं किया और दिन भर लग करके उन्होंने उन लोगों ने और हमारे सुबह की सुबह इन लोग सब मिल करके उनको मदद की इतने सुंदर उन लोगों ने बनाया इनके लिए जोरदार ताली बजा बड़े सुंदर बड़े सुंदर उन्होंने बनाया बनाए तो है लेकिन भैया बिना बिना पैसा से तो बन नहीं सकता है लक्ष्मी के बगैर तो कोई चीज हो नहीं सकती लेकिन ये लक्ष्मी कहाँ से मेरा है हमारे श्री नवीन कृष्ण प्रभु जी हरी गुरु जी की बने जी इसमें जितने पैसा खर्चा हो गया गाड़ी पैसा सारे पैसा गाड़ी पैसा सब कुछ गाड़ी पैसा दिए अब ये तो आज बना है इसको और ये फूल पीछे रखा हुआ कल हमारे श्री जगन्नाथ जी मंदिर में भी सुंदर फूल बंगला बंगला होगा इसलिए प्रभु जी ने सब कुछ उन्होंने पैसा दिया है हरी बोल और जो परसों जगन्नाथ जी कल और बाहर से वैष्णव लोग आ रहे हैं आज भी आ रहे हैं देर लेट हो रही है कल भी और वैष्णव लोग आएंगे हमारे दिल्ली से भक्त लोग कल वे लोग भी बड़े सुंदर सुंदर गुरु जी की कथा सुनाएंगे इसलिए कल सबके सब बढ़ चढ़ करके सबके सब आना और जो परसों है श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कोई जय के है बोल रहे जोर से बोलो जो जितने जोर से जगन्नाथ जी की जय देगा ना उसको उतना ही जय देगा उतना ही पाप खत्म होगी जोर से बोलो बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की आप देखो मैंने बताया था ना एक एक भक्त कितने कितने भक्त बुलाओगे 10-10 लेकिन मैंने कहा 50-50 50-50 नहीं हो तो कम से कम कोशिश करना 10-10, 20-20 लाओगे और हम सोच रहे थे ऐसे बड़ोते में ठाकुर की रथ यात्रा निकले और हमारे जो दोनों गुरु जी की शतवार्षिक उत्सव हो है कभी ये 2 साल के बाद प्रेमचंद प्रभु कितने साल बाद हो रहा है 2 साल हो गया ना हाँ 2 साल हो गया जगन्नाथ जी रथ यात्रा नहीं निकली हम सोच रहे इस बार बढ़िया से बढ़िया श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकले ठीक है हाँ हम सोच रहे बड़े धूमधाम से हम कोशिश कर रहे हैं जो भक्त लोग आ सके हैं कोशिश कर रहे हैं इसलिए अभी ये कोरोना के समय है ना है कोरोना के समय है कोई आने जाने में थोड़ा संकोच बोध करते तब भी हम कोशिश कर रहे हैं जैसे भक्त लोग आए और अच्छे तरह से कितना बोलो देखो इधर बोलो कुछ भक्त लोग है ना अगर पीछे से इधर ऊपर अगर चले जाओ और उस तरफ में कोई बिछा कपड़ उधर कुछ है कुछ बिछा दो तो उस तरफ में जो कि बैठ सकते हैं आप लोग जो पीछे बैठे इधर आ जाओ इधर जगह है आ जाओ उनको रास्ता दे दो वो इधर आकर बैठ जाए हाँ थोड़े आगे इस जगह आगे जगह है आप लोग भी आगे आगे आ जाओ ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय 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 हजामजित दोष ग्रभीत गुणा
त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अघ जगदोक साम अखिल शक्ति व बोधगते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगमः। हरे कृष्णा। मान्याः वदान्याः उपस्थितौ वर्तते मम गुरुदेवाः श्री राधा विनोद गोड़िया मठः पादपीठः परम आचार्याः श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराजाः एवं परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोतरषद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराजाः वामन गोस्वामी महाराजाः उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाः उपस्थितौ वर्तते येनः सदकृष्टाः अन्यान्य अन्यान्य विलोपयन्ते हे उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरेण्य जनाः उपस्थितौ श्री द्विज प्रभु एवं पुजारी प्रभु श्री महानुभाव नवीन कृष्णाः एवं समस्त उपस्थित समस्त मान्याः वदान्याः एवं समस्त जय श्री कृष्णाः। संस्कृत भाषा का लोप हो ही रहा है, इसीलिए संस्कृत को बोलना अति आवश्यक है। उसके नैना उससे लड़ गए, उसके नैना उससे लड़ गए, ऐसे ऐसे ये सब चीजें तो आजकल कथा की शोभा ही हो रही है, इसीलिए इन सब चीजों को नहीं कहकर के संस्कृत अनुवादाह ये ना। वंदना भक्त वांछा कल्पतरुः कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा मनोरम प्रभु की महती कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के दिव्य चरण चरणों में बैठकर के चरणाश्रित होकर के प्राप्त हो रहा है। पूज्य बड़े गुरुदेव की महिमा, हमारे परम गुरुदेव की महिमा आप लोग श्रवण करेंगे, श्रवण कर भी रहे थे, इसीलिए एक ही शब्द से उनकी महिमा को कहूंगा। देखिए आप लोग रोज यह वाक्य बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो वैष्णव होते हैं यानी वैष्णव होते हैं जो, वो क्या है बोले, वो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। पर हमारे श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और श्रील वामन गोस्वामी महाराज वह कल्प वृक्ष नहीं है। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम स्त्री लोका नाम राम श्रीमानस न प्रभो। ये कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष के विराम है यानी कल्प वृक्ष के बगीचे हैं हमारे नारायण गोस्वामी महाराज। जैसे कोई नई नई बहू नई नई दुल्हन और कमर तक घूंघट करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए जाए और उसने अपने ऊपर घूंघट डाला हो और जगन्नाथ जी में भी पर्दा लगा हो तो दोनों में दर्शन नहीं हो रहा है, दोनों में दर्शन नहीं हो रहा है। परंतु यदि गोसाई जी या तपन प्रभु हैं, यदि वह पर्दा खोल देते हैं तो भी उस घूंघट के कारण उसको फिर भी दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब वो घूंघट पड़ा हुआ है वो ही समस्त व्यवधानों का समस्त कामनाओं का घूंघट उस व्यक्ति पे पड़ा है पर इसीलिए उसको दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान दिव्यादि दिव्य लीला कर रहे हैं, लीला करके आच्छादित और आह्लादित कर रहे हैं तो भी दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है। तब प्रतीक्षा होती है कि कोई परम प्रियतम आ जावे
जो पड़े हुए इस घूंघट को, क्योंकि हाथ में आसक्ति की ऐसी मेहंदी लगी है कि चाह करके भी वो घूंघट को अनावृत नहीं कर सकती, तब प्रतीक्षा होती है कि कोई ऐसा धीर समीर, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आ जावे कि पड़े हुए इस घूंघट को अनावृत कर दे, जिससे हमें भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शनों का सत्सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तब प्रार्थना होती है, तब जगन्नाथ महाप्रभु रीझ जाते हैं और घूंघट को अनावृत करने के लिए श्री सद्गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। देखिए अभी तो गुरुदेव की तो लीला और महिमा आप लोग खूब सुनेंगे, परंतु एक बात है, देखिए श्रीमद् भागवत जी तो चल ही रही है। देखिए जैसे कोई नारी और श्री यमुना जी में गोता लगा करके स्निग्ध होकर के और यमुना जी से बाहर निकले और अपने घर की तरफ चले, तो जब चलती है तो उसकी नीभि से, उसकी साड़ी के कोने के भाग से बिंदु 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 करके जल टपकता है, और जब जल टपकता है, जब बिंदु आप देखिएगा एक बिंदु नीचे गिरी तो उसी बिंदु से एक और बिंदु प्रकट होकर के दोबारे गिरी, और वही बिंदु प्रकट होकर के फिर तिबारे गिरी। ऐसे ही जब श्री कृष्ण प्रेमानुरागिनी श्री राधा रानी श्री रससार सरोवर समुद्भूत के पंकज श्री गोविंद के प्रेम में स्निग्ध होकर के और ब्रज की रज में प्रतिगमन करती हैं, तो बिंदु 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 नहीं, सप्त सप्त सिंधु को लेकर के श्री राधा रानी प्रतिगमन करती है। सानिग्ध सिंधु रससार सरैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रससार समद्भूत सिंधु, श्री राधिके स्फुरत में हृदकेलि सिंधु। जब कोटि कोटि सिंधुओं के लावण्य से श्री राधा रानी के अंचल के कोने के भाग से वो दिव्य सिंधु, वो कृष्ण कथा रूपी बिंदु गिरती है, तो वही बिंदु उछल करके और प्रभुपाद तक पहुंचती है, और प्रभुपाद से उछल करके फिर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास पहुंचती है, और चलती हुई वही बिंदु आज बड़ौद के इस प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। वात्सल्य सिंधु रससार सरैव सरोभूत सिंधु, श्री राधिके स्फुरत में हृदकेलि सिंधु। इस कारण से हमारे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी हम आपके यहाँ कथा कराना चाहते हैं, आपकी कथा कराना चाहते हैं। तो महाराज जी ने उनसे प्रयोजन पूछा कि आपका कथा कराने का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, एक ही शब्द से उत्तर दिया, हमारा घर जो है हमारी संपत्ति बढ़ जाए, हमारा घर जो है घर बन जाए, और हमारा धन धान्य से प्रफुल्लित हुआ घर रहे, इसलिए हम आपकी कथा कराना चाहते हैं। वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, श्री सीताराम श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, देखिए उन्होंने कहा देखो कथा का प्रयोजन धन मत रखो, कथा का प्रयोजन श्री भगवान का प्रेम रखो, क्योंकि यदि तो उतना ही मिलता है व्यक्ति को जितना उसके कपाल पर अंकित है। तो बहुत इतना सुंदर उत्तर दी, इतना सुंदर समझाया ना हमारे पूज्यपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उन्होंने कहा कि जो शिशुपाल था वो रोज की रोज श्री कृष्ण को 99 गाली देता था। क्यों 100 क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जो माला थी उस माला में केवल 99 मन के ही थे, और वो एक एक करके और 99 गाली नित्य श्री गोविंद को देता था। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नित नित देत नव नव गारी, रोज की रोज गारी देते थे वो रोज की रोज, लेकिन फिर भी उसका साम्राज्य ऐसा था कि बड़े बड़े दिग्दिगंतर, बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े शौर्य भी उसके सामने देखने से उसको डर जाते थे। तो इससे क्या प्रतीति होती है, इससे यही होती है कि जितना कपाल पर लिखा है उतना ही मिलेगा। और भगवान परम करुणा वरुणालय हैं, अरे जब दांत न थे तब दूध दियो,
जब दांत दिए तो तोतों को अन्न भी दई हैं। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दुग्ध की व्यवस्था करी, और जब दांत दे दिए तो अन्न की भी व्यवस्था वही करेंगे। जब दांत ना थे तब दूध दियो, अरे जब दांत दिए तोतों को अन्न भी दई हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरी भी लई हैं। अरे जान को देत, जो भगवान को मानता है उसकी प्रारब्ध में है तो उसको भी मिलता है जान को देत, और जो नहीं मानता उसको भी मिलता है जान को देत, अनजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे रे मन मूरख सोच करे क्यों, क्योंकि सोच करे कछु हाथ ना आई है। इस कारण से जो कपाल पर लिखा हुआ है वह मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से श्री महाराज जी की दिव्य कथा सरोभूत, महाराज जी को इतना प्रेम था श्री कृष्ण कथा से, इतना प्रेम था श्री कृष्ण कथा से, बहुत सुंदर बहुत प्रेम था। इसी कारण श्री गोविंद की दिव्य सुंदर सुंदर लीला, भगवान की दिव्य सुंदर सुंदर लीला, एक बार छोटे से श्री बालकृष्ण, दो साल के थे श्री बालकृष्ण छोटे से, तो जब ठाकुर जी बालकृष्ण थे तो एक दिन उनके घर में, यशोदा मैया के घर में उनकी बड़ी जेठानी आई जिसका नाम था पीवरी रानी। जब वे आई तो यशोदा जी ने प्रणाम किया उनको कि अरे दीदी आज कैसे आनो हो गए हो तुम्हारो, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, लाला के दर्शन के लिए हमें मुझे इतनी तड़फन लग रही थी कि लाला के दर्शन काजे हमें देखने को आनो ही पड़ो। तो ठीक है, तो कहा कि कहाँ है लाला, तो यशोदा जी ने बुलाया श्री गोविंद को, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। तो भगवान छोटे से दिव्य कंकणों को सुशोभित करते, कटी के ऊपर किंकणी सुशोभित है, और रुंझुन रुंझुन करती हुई कटी किंकणी कुरन करते हुए, हाव भावों को प्रकट करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों में ले, आंखों पर रख करके श्री गोविंद श्री यशोदा जी के समक्ष पधारे। जब पधारे तो कहा, अरे लाला देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, उनको जरा देख एक बार दर्शन कर ले। तो श्री गोविंद ने देखा कि कितनी बड़ी अम्मा है, वो आंख चौड़ी करके, ये बड़ी अम्मा है। तो ठाक तो मैया ने कहा, अरे लाला नेक सहूर सीख ले, बड़ी अम्मा आई है प्रणाम तो कर ले वाकू। तो माँ, तो लाल जी ने क्या किया, लाल जी चुपचाप मैया के पास आए और कान में बोले, मैया या को प्रणाम करने ते हमें का मिलेगो। लाल श्री यशोदा जी बोली, हे भगवान, लाला तू तो बहुत बड़ो लोभी है हमारो। अरे देख लाला, रजित प्रभु की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद हा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया के कान में बोले लाल जी की, इनको प्रणाम करने ते हमें का मिलेगो। तो मात तो यशोदा जी बोली, तू तो बड़ो लोभी है। तो बोली इतय कुआ। तो श्री गोविंद आए तो बोली, देख लाला, यशोदा जी बोली, एक तो तू कारो है, तो तेरे ब्याह में बहुत कठिनाई है, तो तू एक काम कर, बड़ी अम्मा ते आशीर्वाद ले ले कि तेरो ब्याह है जाए। तो लाल जी इतने खुश हो गए ब्याह के मामले में,
इनका गजब काम है भैया, संतों को कह देते हैं कि दुनिया वालों को कहो ब्याह ना कराए, दुखी हो जाएंगे और खुद इतने ब्याह। तो ठाकुर जी ने जो ठाकुर दल का जो जन्म है ना, कहते ये मौन अमावस्या से कब हुआ है? मौन मौन अमावस्या में ठाकुर जी क्यों हमारे गुरुदेव जन्म हुई? ये मौन अमावस्या क्या है आपको पता है? मौन अमावस्या क्या है? जिस समय रावण ने सीता को उठाकर ले गए, जब सीता को उठाकर ले गए उस समय भगवान राम हाँ सीते बोलकर रो रहे थे, लता पता उनको पूछ रहे थे मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को कहीं देखे हो? इधर कहाँ जाएंगे, इधर ही रख दो ना, पीछे रखो तो ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो क्या हुआ, जिस समय भगवान राम ध्यान देकर सुनो, जिस समय भगवान राम वनवास में थे, सीता तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर और बड़ी पतिव्रता नारी, राम की बड़ी सेवा करती है। भगवान राम उठने से पहले सीता माँ उठ जाती है, नहा धो करके ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कुछ प्रस्तुत कर देती है। ठाकुर नहाने से पहले मैया सीता बड़ी प्यार दबाती है। अब ये सब चीज को देख देख करके ना, जो जो ब्रह्मचारी लोग थे वो तो दिमाग खराब, बोले भैया शादी का जीवन तो बड़ा प्यारा जीवन है, देखो भैया सीता कितने सेवा कर रही है, कितने सेवा कर रही है प्रभु राम की, इसलिए बड़ा सुखमय जीवन है, हम भी अगर शादी करेंगे हमारी बीवी भी बड़ी सेवा करेगी। फिर वो सोच रहे हैं भैया हमको अभी कौन भो देगा, बेटी कौन देगा, हम संत लोग बेटी कौन देगा। फिर सोच रहे हैं, हमने सुना भगवान राम जब जनकपुरी जा रहे थे उसी समय में ये अहल्या पत्थर में देवी थी, प्रभु का चरण स्पर्श होते ही अहल्या भी सुंदर नारी बन गई, छोटी मोटी नहीं बड़ी सुंदर थी अहल्या। इसलिए जिसको काली बहू चाहिए हम काले पत्थर ला कर प्रभु के चरण में चुला दे काली बहू हो जाएगी, और जिसको गोरी बहू चाहिए उसका अगर गोरे पत्थर ला कर चुला दे तो गोरी स्त्री बन जाएगी, शादी कर लेगी। ऐसे ऐसे सोच रहे थे से ब्रह्मचारी, भगवान ने देखा भैया ये ब्रह्मचारियों को पता नहीं गृहस्थ जीवन क्या है, ऊपर में देखने में बड़े सुंदर है जैसे सोने की कलसी, लेकिन हाथ भगवान शहर के सिवाय कुछ में है ही नहीं। पहले सुनाता था ना, जब कोई बेटी शादी करके जाती है अपना ससुर घर बहुत रोती है ना, बहुत रोती है। एक लड़की बहुत रो रही थी ससुर घर जा रही थी, कई बार समझा रहे थे क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, बीच बीच हम भी जाएंगे तुम भी आ जाना, लेकिन रोना बंद नहीं हो, बंद नहीं क्या, चुप हो जा रो भी आ जाएंगे, चुप हो जा। बोले जिंदगी में पहला दिन मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना खत्म, मेरे को रोना नहीं। इसलिए अभी उनका तो दिमाग खराब हो गया ब्रह्मचारियों का, भगवान ने सोचा ऐसे में लीला करूंगा ना ये ब्रह्मचारियों को पता चली जाए भैया गृहस्थ जीवन क्या है। इतने में रावण ने छाया सीता को उठा कर ले गया, और इतने में भगवान राम जान बुझ करके ऋषियों को आश्रम पास में जान बुझ कर ठाकुर जाते थे, हा सीते ऐसे रो रहे थे बिलक बिलक करके। इतने ब्रह्मचारी बोले हे भगवान हम तो सोच रहे थे गृहस्थ जन्म बड़ा, गृहस्थ जन्म बड़ा बढ़िया जीवन है, जब भगवान अपना बीवी को नहीं रख पाए, अपना बीवी को रखा नहीं कर पाए भैया जंगल में तो राख कैसे लोगे, पता नहीं कब हमारे बीवी को उठा कर ले जाएगा कोई, हम तो रोते भैया शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए शादी उन्होंने उसी समय में ही भगवान राम क्या हुआ, रावण ने सीता को उठा कर गए, राम भगवान राम सीते सीते ढूंढ रहे थे, इतने में शंकर सती को साथ में आए थे, क्या पर सती को साथ में कथा सुनने आए थे, जा रहे थे तो जब देखा सीता माता को उठा करके ले गए, उसी समय में शंकर जी सती को लेकर के दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती के मन में शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको परिक्रमा कर रहे हो, जो पराग परम 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 राम की कथा सुना तो वही ना, ही कोई साधारण जीव, मेरे को पता रावण छाया सीता को ढक ले गया और कहां पर है, अशोक वाटिका में है, लेकिन ये अगर भगवान होते तो मुझे पता नहीं। बाप शंकर जी ने देखा इसको मैंने इतने पाठ पढ़ाए,
इतने पाठ बढ़ाए, अभी तक भी शंकर जी पति भी है गुरु भी है, इसलिए कहते भैया गुरु जी की बात के में कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए, कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अविश्वास की, फिर सीता का रूप धारण करते हुए गई, फिर प्रभु राम पहचान गए। जब वापस आए फिर शंकर जी पूछे, देखो अगर हमसे कोई गलती हो गया ना, मान लो हमसे गलती हो गया, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरे तीसरे गुण करते रहोगे। लास्ट में उन्होंने माता सती को हृदय से पति के रूप में त्याग दे दिया। जब त्याग दे दिए, इतने में सती ने जाकर के कहां त्याग की, कनखल में आत्महत्या करना पड़ा उसको, शरीर त्याग देना पड़ा। लेकिन जब सती त्याग शरीर दी, जब शंकर जी ने देखा भैया कथा सुनने वाले कोई है ही नहीं, सती तो कथा सुनती थी, तब शंकर जी मौन ही हो गए। शंकर जी जो अमावस्या के दिन शंकर जी मौनी हुए, इसलिए उसी दिन का नाम कहते मौनी अमावस्या। शंकर तो मौनी हुए और स्वयं शंकर जी की कहते प्रकाश स्वरूप श्री गुरुदेव जगत में, श्री नारायण गोस्वामी महाराज संसार के जगत में प्रकट हुए। अब जो मौनी का जो तात्पर्य क्या है, नहीं बोलना उसको मौनी कहते हैं, लेकिन असली मौनी क्या है, असली मौनी कहते हैं जो भगवान की कथा को जो सुनाए वो असली मौनी है, जो भगवान की। इसलिए हमारे जो गुरुपाद पद्म कहते श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष, जो कृष्ण लीला में बड़े सुदक्ष थे, इसलिए वो मौनी अमावस्या। बोले मौनी अमावस्या की जय, श्री गुरुपाद पद्म की जय। ये खत्म कर दूं बस, दो एक मिनट, एक मिनट तो कर दूं। कहाँ तक पहुंच गया था मैं? हाँ भाई, तो यशोदा जी बोली, देख लाला तू एक तो कालो कलूटो, तो तेरे ब्याह में बड़ी कठिनाई हैगी, तो तू एक काम कर, बड़ी अम्मा से आशीर्वाद ले ले कि तेरो ब्याह है जाए। तो छोटे से लाल जी अभी पता नहीं ब्याह क्या, लेकिन इतने खुश हो गए, जाकर के साष्टांग दंडवत पीवरी रानी के चरणों में किया। तो पीवरी रानी ने देखा, रे इतनो छोटो सो लाला, उनको उठाया और अपने अंक में लिया, और अंक में लेकर के पीवरी रानी ने कहा, सीतन हरे कृष्णा, भगवान ये लीला भी सुनना चाहते कि नहीं, मजे ले रहे हैं। तो पीवरी रानी ने आशीर्वाद दिया, लाला मैं इतनी प्रसन्न हूं, प्रसन्न हूं तो ये हृदय से आशीर्वाद दूं कि तेरे रोम रोम के ब्याह जाए। इसलिए श्री कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने ब्याह का जरा भंडारा कर दिया, 16,108 भंडारा, ये दिव्य भंडारा। इसलिए इन्हीं सभी शब्दों के साथ मान्या वदान्या वारंवार चरणारविंदा प्रणिमात। जीत प्रभु आज बोल, आज बोल संजय प्रभु का पल। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तशील नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय केशप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तशील वामन गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचारित दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के भी अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी भी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमल का स्मरण करता हूँ और सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पूज्यपाद दीज कृष्ण प्रभु जी हैं और हमारे पूज्य शुभानंद प्रभु जी, समस्त वैष्णव लोग, ब्रह्मचारी माताएं, दीदी लोग, सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है, पिछले 5 दिनों से लगभग हम भगवान के दिव्य चरित्र, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के माधुर्य में लीलाएं, भगवान के दिव्य गुणों का यहाँ पर श्री राधा गोविंद गौड़ी मठ में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और उसमें भी हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के सानिध्य में, और उसी के बीच में हमारे गुरुवर्गों की तिथि ये आई है, दोनों तिथि मना रहे हैं हम लोग। एक होता है भागवत में भक्त भागवत होता है और एक भगवान, भगवान के दिव्य चरित्रों को तो सुन ही रहे हैं और उसी के बीच में भक्त भागवत, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, अगर उनकी महिमा श्रवण करने को मिल जाए और क्या सोने में क्या है सुहागा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, विशेषकर सारा जगत आज क्या है यहाँ पर कोरोना के चिंतित में लोग टीवी के न्यूज देख रहे हैं, सब लोग इसमें पूरा मन आविष्ट होकर सब लोग डरे हुए हैं और आप लोग निडर होकर यहाँ पर सब अपने 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 घर में क्या लेटे हुए हैं और आप लोग एक ही इतनी सी छोटी सी जगह में 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो ये बात है, तो ये क्या है, भगवान की महिमा श्रवण करने के लिए आप लोग आए हैं और गुरुदेव की दिव्य चरित्रों को कल भी हम सुनेंगे। आज मेरे को थोड़ा जल्दी आना था पर किसी कारणवश ट्रैफिक की वजह से और विलम्ब होने के कारण मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया, काफ़ी लंबा जाम हो गया, पर फिर भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। महाराज जी के आदेश के अनुसार 10-5 मिनट में गुरुदेव की 1-2 दिव्य लीलाओं को हम लोग स्मरण करने का, जैसे हरी कथा अनंत, जैसे हरी अनंत हरी कथा अनंत, कोई भी इनका अंत नहीं कहता। अगर पूरी पृथ्वी को कागज भी बना लिया जाए और हिमालय पर्वत को क्या है कलम बना लिया जाए, जब भी एक गुरु की महिमा वैष्णव की महिमा को हम लोग गान नहीं कर सकते, पर फिर भी जितना हमारा क्षुद्र अनुभव है, एक चिड़िया आकाश में कितना बड़ा है, कितना घूम सकती है, कितना उड़ सकती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी योग्यता है, ऐसे गुरु जी का चरित्र बहुत अगाध है और उसमें बहुत सारी जीवों के प्रति उनकी कैसी दया है, भगवान के प्रति उनकी कैसी निष्ठा है, हैं, और गुरु परंपरा के प्रति उनकी कैसी निष्ठा है, कैसा उनका गुरु के प्रति सेवा निष्ठा है, कैसा उनका शिष्य वात्सल्य है, हैं, बहुत सारे एक एक उदाहरण के द्वारा बहुत सारी कथाएं हैं। अभी मैं 1 या 2 लीला को स्मरण करके जो मैंने देखा उनके जीवन में स्मरण करूंगा अपने जीवा को पवित्र करने के लिए, और हम सब लोग भी उनकी कथाओं को कोई भी सुनेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में क्या होगा, मंगल होगा। तो जैसे कि महाराज जी ने भी आप लोगों को बहुत सारी उनकी कथाएं सुनाई है, संत लोग जीवन में सबसे बड़ी कृपा क्या है, जगत में सबसे बड़ी कृपा है भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त होना, इससे बड़ी कृपा कोई नहीं है। कहते हैं कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति गुरु करुणा निधान, भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो कैसे आते हो, संत के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं और तरह तरह से क्या करते हैं हमको,
तरह तरह से अपने आचरण के द्वारा हैं और अपने स्नेह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने शासन के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा हमको बहुत प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। उन शिक्षाओं को यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा भी मंगल निश्चित है। तो हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ बिहार, बक्सर, बिहार में बक्सर जिला है, तिवारीपुर गांव में भी महाराज जी वहां से आए हैं। बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है वहां पर, हम लोग जाते रहते हैं, हम नवीनपुर भी वहां पर बारंबार जाते रहते हैं, आपने बहुत बार कथाएं सुनी है। तो महाराज जी का वहां आविर्भाव छोटे से वहां पर ग्राम में हुआ, पर उनकी आज महिमा क्या है, पूरे विश्व में उनकी महिमा का गान किया जा रहा है। क्यों गुरुजी हमेशा बोलते थे, कहते क्यों हो रहा है इतना गान, कह रहे बस मैंने क्या किया है, एक सच्चे महात्मा, सच्चे संत का मैंने क्या किया है, चरण आश्रय किया है और उनकी मैंने सेवाएं की हैं। आज जो मेरा जो भी गुणगान हो रहा है ये मेरी गुरु सेवा का बल है। इसलिए तो क्यों बोल रहे हैं बात, ये नहीं बोल रहे कि हाँ मेरा इतना महानता की है, मैं इतनी योग्य हूं, कहते सेवा, जो जितनी सेवा करेगा गुरु की निष्कपट होकर, गुरुदेव के जितने आदेश का पालन करेगा वो उतना महान बनेगा, और जो गुरुदेव की जितनी अवज्ञा करेगा वो इतना नीचे को शूद्र बनेगा, नीचे को जाएगा। क्या आज्ञा थी शुरू से ही, प्रारंभ से देख लो, वो बिहार में उनका छोटे से वहां एक तिवारीपुर ग्राम में, वहां पर सारा ब्राह्मण परिवार ही रहता है, वहां पर उनका आविर्भाव हुआ किसी कारणवश, जैसे कि वहां थे नरोत्तम ब्रह्मचारी वहां पर आए, जिनका नाम नित्य भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज है, उनकी कथाओं को श्रवण किया। उससे पहले गुरुजी रामायण पढ़ते थे और भगवान का राम नाम, जब रामायण पढ़ते पढ़ते गुरुजी रोते थे, क्रंदन करते थे, गुरुजी कहते थे मेरे को ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा जाता था, मेरे जो रामायण जो बुक है पूरी पुस्तक जो है ग्रंथ पूरा भीग जाता था, मैं बहुत कंट्रोल करता था, फिर दोबारे से अपने को धैर्य करके फिर दोबारे से पढ़ता था। तो उनके अंदर जो प्रेम था, भक्ति थी राम के प्रति, भगवान के प्रति, वो पहले से थी, और हर नाम भी बहुत शुद्ध नाम वो जप करते थे। कभी कभी गुरुजी जब विदेश में जाते थे बोलते देखो आज विदेश में कितनी तरक्की हो रही है, हाँ यहाँ पर बैठे बैठे हम आज अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, हाँ आज बैठे बैठे हम लोग सुन सकते हैं, और क्या क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा, किडनी से लेकर हैं घुटने से लेके, किडनी से लेके, लीवर से लेके, क्या क्या आज एक व्यक्ति से निकाल के दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, और यातायात के साधन भी कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने यहाँ पर सारे संसाधन यहाँ पर है, परंतु जीवा सुखी नहीं है, दुखी है। देखो कितना दुखी है आज लोग, हम दुखी हैं, पहले सुखी होते थे, पहले ज्यादा सुखी थे या अब ज्यादा है, इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे पहले, अब स्पेशलिस्ट आई का अलग किला है, कार्डियोलॉजिस्ट का अलग है, हार्ट का अलग है, हैं लीवर के हॉस्पिटल अलग है, किडनी के अलग है, स्पॉन्टनाइजर इसका स्पाइन का अलग है, अलग अलग हॉस्पिटल खुले हुए और स्पेशलिस्ट भी हो रहे हैं आजकल, परंतु हम आज दुखी हैं या सुखी हैं। गुरु जी कहते थे मैं जब अपने घर में रहता था, हम भूस जहाँ गाय का होता ना जो चारा रखते, कह रहे उस पर चटाई बिछा के सो जाते थे, राम नाम जप करते थे बस, रामायण पढ़ते थे बस, और इतना आनंद आता था, इतना सुख आता था राम के नाम में, पूरा जो कि आज पूरे विश्व में घूमने भी देख रहा सारे लोग दुखी हैं, एक राम नाम में वो सुख है। दूसरा गुरुजी बताते थे कि विभीषण है ना, विभीषण और रावण के लंका में रहकर भगवान के राम नाम के द्वारा उन्होंने पूरा आनंद प्राप्त हो रहा है, और रावण के पास सोने की लंका होने पर भी वो क्या है, दुखी है। तो गुरुजी कहते थे मैंने जीवन में क्या अपनाया, भगवान का नाम का सहारा लिया और गुरु का पदाश्रय किया, जिसके कारण मैं सुखी हो पाया। फिर धीरे धीरे गुरुजी की शरण, गुरुजी आ गए देवानंद गौड़ी मठ में आए, तब उन्होंने क्या किया, उनके गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं, तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव आप मेरे को लाल कपड़ा पहनाइए, आप मेरे को सफेद कपड़ा पहनाइए, या आप मेरे को नंगा रखिए, जैसे आपको रखना है, मैं अपनी माँ की ममता, पिता का स्नेह,
बंधु का बंधुत्व मैं आपके सब कुछ आपके चरणों में रख रहा हूं। इस बात को सुनकर परम गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हम लोग भी बोलते हैं गुरुजी हम आपके लिए करेंगे वो करेंगे, परंतु गुरुजी को कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी सरलता से और बड़ी शरणागति के साथ ये बात बोली। उनकी बातों में और उनके शब्दों में कोई भी अंतर नहीं था। जो हमारा होता ना अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो हमारे शब्दों में बड़ी कपटता होती है, इसलिए हमारे गुरुदेव हम अंतर्यामी होते हैं ना, वो समझ जाते हैं। तो गुरुजी इस बात को देखकर बोले, उत्तर भारत में अभी तक बहुत बड़े बड़े विद्वान बने पश्चिम बंगाल से, पर उत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु के विचारों को समझने वाले अभी तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कि महाप्रभु की धारा, महाप्रभु के विचारों को ठीक से समझकर और उसका अनुसरण करने वाले। तुम पर विशेष भगवान की, विशेष चैतन्य देव नित्यानंद गुरु की विशेष कृपा है। और फिर उन्होंने गुरुजी की सेवाएं करनी प्रारंभ की। गुरुजी ने उनको मथुरा मठ का संचालक बनाया। मथुरा मठ बहुत खंडर अवस्था में था, उसमें 4-5-10 ब्रह्मचारी थे बहुत ही मुश्किल से। और देखो भजन कैसे होता है, कोई कहता है ना कि हमारे पास पैसा हो जाए बस मकान अकान बन जाए फिर आराम से भजन करेंगे, करे नहीं, ये मूर्खता है। अगर भजन पैसे से होता तो नहीं। जब गुरुजी आए मथुरा में चावल आटे दाल आदि आदि का भी अभाव था, बता रहे होंगे शायद प्रभु जी ने बताया होगा, वहां कैसे छत भी बहुत ज्यादा नहीं टपकती थी छत भी, परंतु उस समय उन्होंने मथुरा में रहते हुए कैसे गुरुदेव ने जो दायित्व दिया वहां पर रहते हुए सेवा किया। और बंगाल सब मथुरा में कोई आने को तैयार नहीं थे, बोले बंगालियों का मठ है, यहाँ काला जादू, बंगाली लोग काला जादू करते, कोई भी आने को तैयार नहीं थे वहां पर। और गुरुदेव की वहां गुरु सेवा के द्वारा, गुरु निष्ठा के द्वारा जहां भी जाते, मथुरा के गरीब गरीब घरों में जाते थे, वो कहते गुरुदेव आप कितना पैसा लेते हो, कथा कराने का कितना पैसा लगेगा, तो वो बोलते थे आपके घर में चटाई है तो वो बिछा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं हम लोग चटाई भी मठ से ले आएंगे, और एक गिलास पानी है तो दे देना, नहीं तो हम भी, वो कोई चिंता नहीं। ऐसे उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। स्वामी महाराज भी जब गए विदेश में प्रचार करने के लिए 40 रुपए लेकर गए, वो 40 रुपए लेकर गए और पूरे विश्व में 40 करोड़ से भी, 400 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी अभी स्कॉन की है। तो जो कोई सोचते नहीं पैसा इकट्ठा कर लेंगे फिर भजन नहीं, तो मथुरा में सभी प्रकार का भाव था पहले, परंतु भाव ही भाव था। आप मथुरा मठ जिन्होंने देखा होगा अभी 15-20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं पहली बार मठ में गया ना मथुरा मठ में, तो मथुरा मठ बना जैसे देखा कि पूरा नाट्य मंदिर भरा हुआ, लाल कपड़े ब्रह्मचारियों से सन्यासी से, गुरुजी जब चलते थे हैं ऐसे, प्रभुपाद की शोभा ना, यतिराज गणेय परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ये प्रभुपाद की हमने सुना है। पर जब गुरुजी चलते थे इतने सारे विदेशी सन्यासी, स्टेज भरा हुआ, इंडियन सन्यासी और ब्रह्मचारी, बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मचारी आए वहां पर, पूरा मथुरा मठ भरा हुआ था। और मैं देख रहा था सीढ़ी से चढ़ा था, इधर से 4 ब्रह्मचारी निकले, एक छोटा सा कमरा था उधर से निकले, फिर पीछे से गया था एक सीढ़ी पे पीछे में एक थोड़ा सा कमरा उधर से निकले, उसके पीछे गया तो उधर से कब निकले, पूरा मथुरा मठ ऐसे भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ है? वहां पानी खारा, जो भी पानी पियोगे खारा, इतनी ठंडी, ना गीजर है ना हीटर है ना कोई सुविधा है, ना बहुत बढ़िया सब्जी मिल रही है ना बहुत बढ़िया रोटी मिल रही है, पर पूरा मथुरा मठ भरा हुआ है। अभी क्या है, किसी चीज की कमी नहीं है। और देखो अभी लोग, मेरे मन में भी ऐसा मन में एक बार आ गया था, अरे गुरुदेव है, गुरुदेव में कभी जड़ बुद्धि नहीं आनी चाहिए। गुरुदेव क्या है, भगवान के परिकर है, अंतर्यामी है परमात्मा उनका, जो भगवान, गुरुजी कभी कभी हंसी मजाक में कहते थे नारायण, जैसे नारायण, नारायण में जो गुण है ना, कहते नारायण भगवान है, कह रहे तुम मेरे से छिपा लोगे कोई बात, ये मत सोचना मैं भी उस नारायण का हूं, मेरा भी नाम गौर नारायण है। तो कह रहे अगर कोई शिष्य सोचेगा मैं गुरु से सब कुछ छिपा लूंगा, कह रहे कभी भी नहीं छिपा पाएगा। तो कैसे बताते महाराज जी, बताते मातंग ऋषि के आश्रम में देखना, नेवला और सांप शत्रु होते, नेवला और सांप क्या होते, शत्रु, एक देख को दूसरे को खाने को भागते नेवला सांप को। पर उस मथुरा मठ कैसे बना था, मातंग ऋषि का आश्रम रहता, वहां भजन ही भजन,
जो भी वहां पर इतने प्रकार के लोग, हिंदी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, विदेशी, देसी, कितने प्रकार के स्वभाव के लोग प्रेम प्रीति से रह रहे हैं, उन्हें एक मिनट का भी टाइम नहीं है। सुबह गुरुजी कथा कर रहे हैं, दोपहर को गुरुजी कथा कर रहे हैं, शाम को गुरुजी कथा कर रहे हैं, रात को गुरुजी कथा कर रहे हैं, सुबह मंगल आरती, संध्या आरती, और जो संध्या आरती में जो आरती होती थी, ज्यादा पहले की नहीं बता रहा मैं, 20-25 साल की, इतना उदंड कीर्तन होता था वहां पर। मथुरा नगरी कैसे थी, बिल्कुल गोलोक नगरी जैसे कि मथुरा में साक्षात, जो हमें वृंदावन में जाने में आनंद नहीं आता, जो केशव जी गवर्नमेंट जाने में आनंद साक्षात मिलता था। मैं बता भी रहा था, एक दिन मैं बरसाना जाता था राधाष्टमी को, मुझे पता नहीं था पहले, हमारे गांव से बस जा रही थी बरसाना, मैं भी चला गया। पहले मैं मथुरा जाता था, फिर मैंने कहा नहीं, बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ है, चलो बरसाना चलते। तो एक बार संसार के लोग थे, घर के लोग थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं, तो बरसाना में गए, बस में गए, वो संसार की बातें करते करते, सारे भक्त, कोई भक्त नहीं है। कभी धाम में जाना हो ना तो भक्तों के साथ जाना चाहिए, मैंने यह अनुभव किया। तो मैं मथुरा नहीं जाके, मेरे मन में था हमारे गुरुदेव मथुरा में है, वह राधाष्टमी बड़ा धूमधाम से मनाई जाती है, पर मैंने कहा चलो बरसाना की एक बार अष्टमी देख लेते, बरसाना में कैसी मनाई जाती है। तो हम लोग गए और वहां पर गए और इतना भीड़ भड़ाका, वहां पर जा भी पहुंच भी नहीं पाई, और पूरी बस में बात करते करते गए, और किसी तरह से धक्का मुक्की से राधा जी के बड़ा मुश्किल से बहुत दूर से दर्शन हो गए, आ गए ना, कुछ राधा जी के बारे में पता लगा नहीं। फिर मैं अगले साल मथुरा गया, मन की अब की बार राधाष्टमी कहाँ मनाएंगे, मथुरा में मनाएंगे। तो मैं वहां पर गया, गुरु जी के देखा, उनके कितना उल्लास है उनके हृदय में, और वहां पर पूरा मथुरा मठ ऐसे खचाखच भरा हुआ है, पूरा सजा हुआ है, और गुरु जी उन्हें चाव लेने के लिए भेजते थे। एक बन महाराज, हमारे बन महाराज की पार्टी, एक बार हमारे महाराज श्रीधर महाराज की पार्टी, एक बार माधव महाराज की पार्टी, नरसिंह महाराज की पार्टी, प्रेमानंद प्रभु, ये प्रभु जी, दीज प्रभु, सब लोग जाते थे, और ढोल बाजे के साथ। और उससे पहले क्या गुरुजी कीर्तन करते थे, राधा तत्व के ऊपर, राधा तत्व के ऊपर कीर्तन करते थे, बड़ी सुंदर सुंदर राधा जी की स्तुति है, जो हमने कभी सुनी नहीं है जीवन में, इतनी स्तुति है, इतना उसमें राधा जी का तत्व है। तो मेरे को पता लगा वहां पर कि राधा जी का प्रकट बरसाना में नहीं, केशव जी गौड़े मठ से, गुरुदेव के हृदय से ही राधा जी का आविर्भाव हुआ है। तो वास्तव में क्या है, राधा जी कहाँ रहती है, अपने शुद्ध भक्तों के निकट, कहते हैं ना, सबसे जो हम देखने में आ रहा है धाम, धाम भी अपने को क्या करते, छिपा लेते। अभी देखो धाम में जाओ, गुरु जी के समय ब्रजमंडल परिक्रमा चलती थी, 23-24 बस, 50-60 गाड़ी चलती थी, कितनी कीर्तन में कितनी भीड़ होती थी। अभी वही धाम है, हैं? अभी वही धाम है, अभी देखो कितना कम है। तो गुरुदेव की महिमा क्या है, गुरुदेव ही एकमात्र परिक्रमा को चला रहे थे, उनका भजन, उनका साधन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका प्रेम, उनका स्नेह, सब कुछ गुरुदेव का वही चला रहे थे। तो ये मैंने अभी बताया था, एक बार क्या हुआ, ब्रजमंडल की परिक्रमा हो रही थी, परिक्रमा होते होते क्या एक गांव में जा रहे थे, उस गांव में भंडारा होना था, भंडारा। तो उसी गांव में क्या हुआ, एक लड़की थी और अनाथ थी, उसके मम्मी पापा नहीं थे, उस लड़की ने हमारी बस के नीचे आके क्या कर दिया, एकदम से आ गई, आत्महत्या करने, मरने के लिए चाह रही थी, वो बस के नीचे आ गई। अभी क्या हुआ, पूरे गांव वालों ने बस को पूरे घेर लिया, हमारी 10-12-22 बस थी। उसी गांव में जब गुरु जी को पता लगा कि एक बच्ची है, वो हमारे, वो उसके, हमारी परिक्रमा के बस के नीचे आ गई है, तो गुरुदेव वहां एकदम से आए, और उनके गांव को गुरु जी के साथ बड़ा प्रेम का संबंध था। गुरु जी ने वहां को बोला, देखो आज हमारे परिक्रमा में भगवान की जैसे भी हो, हम लोग उसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, एक बच्ची आज क्या आ गई, बस के नीचे आ गई, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ गुरु से, गौरांग से, राधा विनोद बिहारी से, वो जहां भी रहे उसकी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई। और बड़ी दीनता के साथ उन्होंने वचन बोले, आप लोग मेरे को अब क्षमा करेंगे, नहीं तो हम सारे बस वाले पिटने वाले थे वहां पर। वहां पर गुरु जी कैसे जाके वहां पहुंच गए, और कैसे हमारी वहां रक्षा की। नवदीप धाम की महात्मा देखो, जैसे पंडाल गिर गया था, सारे हम सोच रहे थे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी चला रहे हैं मठ को, परिक्रमा को, पर जब पंडाल गिर गया तो तीत महाराज जी भी रो रहे थे वहां पर, सारा 10,000 लोग पंडाल के अंदर बैठे थे सब लोग। और गुरु जी ने को जब पता लगा, दीजप्रो ने बताया, एक बार बड़ा तेज पंडाल हिल रहा है, ऐसे से बताया,
तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, कथा को थोड़ा सा साफ करो, थोड़ा स्थान बनाओ थोड़ी सी कथा बोलने के लिए। उस समय गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा, बड़े जोश के साथ, उनका चेहरा लाल था, उन्होंने नरसिंह भगवान की आरती की और उन्होंने बाद में जब कथा बोली तो बोली, हम लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं वो इंद्र को आदेश दे कि ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा में विघ्न न डाले, और हम कितनी भी बाधाएं आएंगी हम लोग घबराने वाले नहीं है, हमारी परिक्रमा कल चलेगी और भी जोश के साथ चलेगी, एक भी व्यक्ति यहाँ पर क्या आगा कल ऐसा ना परिक्रमा नहीं जाए, ऐसे ओजस्वी वाणी उन्होंने बोली, सबके अंदर जोश भर दिया। प्रेमानंद वहां रसोई बनाने लगे, तीतमाजिया परिवेशन करने लगे, सुबह परिक्रमा चली, सात सात मृदंगों के साथ धूमधाम से गुरुजी आए, पालकी उठाई, कितनी 80 से 85 साल उम्र है, 80-82 साल खुद ही आए, पालकी उठाई और बोले घबराना नहीं, हम लोग कभी भी डरेंगे नहीं कितनी भी बाधाएं। तो जीवन में उन्होंने कभी भी वो डरे नहीं, घबराए नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं आई। जब बताया दुर्वासा ऋषि आश्रम बना था, दुर्वासा ऋषि का मंदिर है यहाँ पर भी, कथा कितना दिन हो गई, 6 दिन हो गए ना, 5 दिन तो यहाँ पर बारिश हुई, 5 दिन बारिश हुई ना, इसे जगन्नाथ भी इंद्र को आदेश दिया, अब देखना दिन भर तो बारिश इधर उधर हुई, कथा का समय जगन्नाथ ने इंद्र को आदेश दिया भैया, यहाँ पर दो संतों के लिए जैसे भैया संतों की सेवा में कोई गड़बड़ी नहीं करना, एक बार तुमने गड़बड़ी किया तो दंड दिया, इस बार गड़बड़ी करोगे तो मैं दिखा दूंगा, आज देखो सूरज जगह रथ यात्रा भी बड़े धूमधाम से, तो कहना ये क्या है, हम लोग जितना भी आज जी रहे हैं भजन कर रहे हैं थोड़ा बहुत गुरु कृपा का बल है, गुरुदेव के ही बल से, गुरुदेव की कृपा के आशीर्वाद से ही हम लोग आज चल पा रहे हैं। कितने सारे आए दुर्वासा ऋषि आश्रम में, वो जब राधा कृष्ण का गुरु जी कह रहे हैं राधा कृष्ण सबके इष्ट हैं, दुर्वासा भी उनकी भजन करते हैं, गांव वाले सब विरोध में आ गए और उन्होंने बनने नहीं दिया, जो हमारे ब्रह्मचारी थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, सर भी फोड़ दिया, पर गुरु जी ने कहा नहीं हम लोग क्या करें मंदिर बना के रहेंगे, और उन्होंने कितना बाधा आने पर भी दुर्वासा ऋषि मंदिर बनाया, पूरा गांव आज दुर्वासा ऋषि के जितना भी गांव है उन्होंने फिर वहां पर जगह दिया रहने के लिए, सब्जी बोने के लिए वहां स्थान दिया है, दूध दही सब्जी सारे गोवर्धन मठ में और केशव जी गौड़ मठ से दुर्वासा ऋषि के आश्रम से आ रहे, कैसे कैसे लोग उन्होंने जीवन को बदला। और मैं एक दो अपनी व्यक्तिगत घटना बताता हूँ क्योंकि समय हो गया है ज्यादा नहीं है, उनका हृदय कितना उदार है कितना शांत है, कोई उनके पास किसी भी वाणी को किसी भी भावना से आया, कोई कपट से आया, कोई शरणागति के से आया, कोई कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, वो क्या है उनके हृदय में आनंद ही आनंद है, तो वो क्या आनंद ही देते हैं। एक बार मैं गुरुजी के पास गया दिल्ली जनकपुरी मठ में, किसी व्यक्ति की शिकायत लेके गया, ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, इसकी शिकायत गुरुजी से करनी पड़ेगी, तो गुरुदेव तो है हमारे, तो मैं गया लेकर और मैं गुरुजी के जैसे कमरे में बैठा, 5 मिनट गुरुजी के पास बैठा और मैं बोलना तो चाह रहा था बोल भी नहीं पाया, उन्होंने बिना बोले ही इतना हृदय को मेरा शांत कर दिया, और जिसकी मैं शिकायत लेने गया था वो नीचे था मंदिर में जनकपुरी मठ में, वो नीचे था, तो मैं उसकी शिकायत लेने के आ गया, 5 मिनट में बिना बोले ही, ये होते महापुरुषों के लक्षण, बिना बोले उन्होंने क्या किया हृदय में मेरे को सांत्वना प्रदान की और बोले जैसे भी उन्होंने प्रेरणा दी, जो कर रहा है जैसे भी चिंता मत करो मैं हूं करने वाले, और मैं उस व्यक्ति के आगे गले मिला, गुस्सा था उसके प्रति पर मैं उसके प्रति क्या हुआ गले मिला, बस मात्र बैठने से, कोई उपदेश नहीं दिया। एक बार हम लोग अमृतसर गए, हाँ हमारे दीज प्रभु भी थे वहां, हमारे दुर्गाना मंदिर में कथा होने वाली थी, तो वहां इस्कॉन मंदिर है, वहां उनके प्रेसिडेंट थे, वो वहां पर वहां हमारे डॉक्टर सर डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीदी है वहां पर, हमारे अनीता दीदी उनके पति हैं, तो वहां पर उनके जो प्रेसिडेंट है जो अमृतसर के वो है वहां पर वो हमारे मठ में आते नहीं थे, उनके गुरुजी ने मना किया आने के लिए, परंतु वो किसी कारण से उनका ऑपरेशन किया था डॉक्टर साहब ने, तो इसलिए आ गए, अरे डॉक्टर साहब के गुरुजी आए हैं, तो डॉक्टर साहब बड़े सीधे आदमी हैं, तो उन्होंने पता नहीं उनका दीदी ने कहा हमारे गुरुजी के दर्शन कर लो, तो वो जब आए तो गुरुजी ऊपर कमरे में थे, अब उनका बिल्कुल ही मन नहीं था दर्शन करने का भी,
तो उनके जो गुरुजी हैं तो उनके गुरुजी का आदेश भी नहीं था, परंतु लौकिक संबंध वो आए। जब वो गुरुजी के पास गए, मैं उनको लेके गया, जब मैंने उनको प्रणाम कराया तो गुरुजी ने इतना मधुर भाषा से उनको बोला, कैसे हो आप, तुम्हारे गुरुदेव कैसे, ठीक है। मेरे को एयरपोर्ट में मिले थे, जम्मू एयरपोर्ट में, अभी उनकी तबीयत खराब थी, कैसे ठीक है। वो कहते इतना मधुर बोल रहे हैं, इतना मेरे गुरुदेव के बारे में पूछ रहे हैं, बस उनको दो शब्द बोले उनको मुग्ध कर दिया। कह रहे मैंने तो बड़ी बात सुनी थी इनके बारे में, परंतु एक तो बहुत महान और उदार वैष्णव, दो मिनट में ही बदल गए। हमारे धीर कृष्ण गुरु है ना, धीर कृष्ण गुरु, वो कह रहे थे मैं तो गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं इतने अंदर मेरा क्रोध था, इतना क्रोध था, मैं मथुरा मठ में परीक्षा लेने गया, भाई नारायण महाराज जी कौन है, बड़ा नाम सुना है, कैसे सुना, देखूं तो सही, अच्छे भाव से नहीं आए, शरणागति से नहीं आए, सिर्फ परीक्षा लेने के लिए आए। कह रहे उन्होंने दो चार शब्द ऐसे बोला, पता नहीं क्या जादू कर दिया, मैं उनका ही हो गया। हाँ? जो भी उनके पास शरणागति से आए हैं, सेवा करने से आए, अवहेलना से आए, परीक्षा लेने से आए, या द्वेष भाव से भी जो आए, उनके जीवन को भी उन्होंने क्या किया, बदल दिया। ये होते महापुरुष एक संत, और उन्होंने जीवन में कभी भी कहते थे गुरुदेव 100,000 हरि नाम करके, महाराज जी बताते ना 100,000 हरि नाम करके नाश्ता लेते थे, फिर 100,000 का नाम हरि नाम करते। गोस्वामी के सभी ग्रंथों को उन्होंने हिंदी भाषा, हमारा हिंदी जगत उनके बड़ा ऋणी रहेगा, तो हम लोग उनके बहुत ऋणी हैं। और जितने भी सन्यासी देख रहे हैं, हमारे महाराज जी भी, और हमारे माधव महाराज जी, बन महाराज, श्रीधर, बहुत सारे महाराज सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, सारे उन जिन्होंने संग किया है, वास्तव में वो क्या वस्तु देने आए थे, भक्ति क्या है, जब तक हमें भक्ति का भाव नहीं समझ में आएगा तब तक उनकी महिमा भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वस्तु क्या दे रहे हैं, उस वस्तु का थोड़ा भी अनुभव नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो एक और भी कारण है कि कोई कहता है मेरा पेट ठीक कर दिया, मेरा घर में बेटी की शादी होगी, ये तो गौण कार्य है, ये तो हो ही जाता है, पर वो इस चीज के लिए नहीं आए थे। वो किस चीज के लिए आए थे, वो आपको संसार के दुख को दूर करने के लिए, आपको परम गति भगवान का प्रेम देने के लिए आए थे। जब रमण बिहारी गौड़े मठ बन रहा था, गुरुजी ने उस समय बात बोला था, 2003 में बोला था, मेरे पास जो भी आए भक्ति के लिए आना, संसार की कामनाओं को लेकर कोई मत आना, मैं अब प्रेम देने आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान वैशिष्ट है, जो हम विशेषकर राधा जी का जो दास से पद है, विशेषकर कृष्ण प्रेम है, उसको जिसको लेना है वो मेरे पास आए, नहीं तो नहीं आए। कितनी स्पष्ट बात बोल दी, ऐसा बोलने वाला कोई है कि नहीं है। तो उन्होंने जो भी किया, जो भी उनके साथ थोड़े समय भी रहा, उनका जीवन भी बहुत परिवर्तन हो गया। और थोड़ी भी जिन्होंने सेवाएं की है, मैं देता हूँ आज उनका स्थिति क्या भी बता देता हूँ मैं। देखो हमारे सोमनाथ जी, पूनम दीदी है, कितने धनवान व्यक्ति थे लोग, आज सब कुछ छोड़ के वृंदावन भजन कर रहे हैं। एक रागलेखा दीदी का नाम सुना है, मोदी जी, बहुत धनवान थे, बड़ा पैसा कमाया। सच्चा संत क्या होता है, जिसको भजन में लगा दे। मोदी जी, रागलेखा दीदी कहाँ पर है आज, वृंदावन में भजन कर रहे हैं। रोहिणी नंदन, वो इतना अच्छा बिजनेस है उनका, आज कहाँ है, वृंदावन में। रामचंद्र कहाँ है, आज जनकपुरी मठ में। बहुत बड़े इंजीनियर है, गोकुल चंद्र प्रभु है, इतनी बड़ी 3,00,000 उनकी सैलरी थी, 2,00,000 उनकी सैलरी थी। जब वो छोड़ रहे थे, रिजाइन दे दिया, तो उनके ऑफिस वाले ने कहा आप, हम आपके 3,00,000 सैलरी दे रहे हैं, आप मत छोड़ो। तब भी उन्होंने क्या किया, नहीं मैं, इतनी माइंडेड व्यक्ति थे, क्योंकि उनका इतना बुद्धिमान व्यक्ति थे। पहले उनकी 1,00,000 सैलरी थी, जब उन्हें रिजाइन दिया 2,00,000 कर दी। जब उन्होंने कहा मैं 15 दिन करूंगा, करे 15 दिन दो, हम 2,00,000 देंगे। तब उन्होंने कहा, मेरे से उनसे बात होती रहती थी, मैंने कहा प्रभु जी, कह रहे मैं गुरु जी की सेवा में इतना आनंद आ रहा है, मैं 15 दिन भी, उन्होंने कहा लेटर भेजा भाई, मैं 15 दिन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप 10 दिन करो, 10 दिन में 3,00,000 सैलरी देंगे आपकी। उन्होंने कहा मैं 10 दिन भी नहीं कर सकता, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया। इतना विषय विनम्रता निरारस्य देहिना रस बरजम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। ये ऐसा माधुर्य गुरुदेव की सेवा में, आज कहाँ है, वृंदावन में रह के भजन कर रहे हैं। चैतन्य ग्रंथों का ट्रांसलेशन लिखा, भागवत ग्रंथों को बंगला से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। जिन्होंने भी उनकी सेवाएं की, थोड़ी भी सेवा की है, आज देखो भजन में कर रहे। ये सच्चे साधु का लक्षण है कि उनकी सेवा का फल क्या है, भजन प्रदान करना। और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप देखेंगे, मैं ये देख रहा था अनुभव, इतने
इतने धनवान व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे कैसे वृंदावन में भजन कर रहे हैं, ये उनकी विशेष कृपा है। और भी बहुत सारे गुण हैं, अभी हम आगे आगे कल और भी श्रवण करेंगे, और भी वक्ता आएंगे, तो उनकी क्या देन है, क्या महानता है, गुरुदेव क्या देना चाहते हो हमारे लिए, जगत में आए हमारे कल्याण करने के लिए। तो हम लोग उनके गुणों का स्मरण करेंगे बारम्बार और उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप जिस वस्तु को देने के लिए आए उस वस्तु को कभी ना कभी हम अनुभव कर पाए और आपकी सेवाएं कर पाए। बोलो परम आराध्य तम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण भूषण गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्य भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की तदीय शतवार्षिक महामहोत्सव की। हमारे ये नवीन प्रभु जी आप बता दो, फिर 5 मिनट लास्ट में गिरिराज जी का आप खड़े हो गए भागवत के वचन जगन्नाथ जी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। सबके सब रथ यात्रा में एक एक भक्त, कितने कितने भक्त बुलाओगे? 50 50 देखो आप उसके लिए कौन सा रंग के साड़ी पहनोगे? नीली, कोई नीली सफेद नहीं, कौन सा नहीं तो उधार करके बैठ। देखो यहाँ पर जितने हमारे भाई लोग आए हैं, यहाँ पर जितने भाई लोग आए हैं, हाँ ध्यान देकर सुनो, देखो सबके सब कोशिश करना धोती कुर्ता पहनने के लिए। क्या पहनने के लिए? देखो अभी आप वृंदावन में जाओगे ना, अंग्रेजी लोगों को देखोगे वो कोई प्यांट नहीं पहनते, कभी जो प्यांट पहनते है ना, कभी वैसे तो दो प्यार है ही है और दो प्यार कितना प्यार हो गया, चार प्यार किसका होता है? जानवर का होता है। इसलिए वो अभी कुर्ता देखो अच्छे तरह समझो, ये प्यार कहाँ से आई है? ये विदेश से आई, पहले भारत में कोई प्यार नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे? इसलिए भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, हनुमान जी को देखो और हमारे गणेश जी को देखो, प्यांट पहने ना धोती भाई नहीं, अरे बोलो देखो। और किसी समझो विदेश में प्यांट क्यों पहनते, क्यों? मैंने विदेश में गया हूँ, रशिया जाता हूँ, वहां पर तो -20, 30, 50% इतनी ठंडा है, विदेश में ठंडा है, इसलिए बचने के लिए क्या करते हैं वो सबके सब पैंट पहनते हैं। हमारे भारत में थोड़ी कितना ठंडा है, इसलिए ठंडा नहीं है, इसलिए शरीर को भी हवा चाहिए, शरीर सुस्त के लिए भी ये हवा चाहिए शरीर को, लेकिन धोती पहनने से सूती क्या होता है, शरीर को हवा भी मिलता है, शरीर सुस्त भी रहता है, इसलिए हमारे जितने भगवान सबके सब क्या पहने हैं, धोती पहनते हैं। कोशिश करना धोती पहनने के लिए, विदेशी लोग प्यार छोड़ करके धोती पहन रहे हैं और हम देसी लोग क्या कर रहे हैं, धोती पहन करके पैंट पहन रहे हैं। देखो अगर आपके पास में धोती नहीं हो, कम से कम कोशिश करना सफेद रंग की कुर्ता पैजामा पहनने की। कौन सा रंग की? अरे बोलो भाई लोग जो पीछे बैठे, अरे बोलो सफेद रंग के पहन करके आना, ठीक है? नहीं तो अभी 2 दिन बाकी है, अब इसको तैयार कर लो, लेकिन सबको घर में तो होगा सफेद रंग, ठीक है ना? कोई प्यांट पहन कर नहीं आना, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और जो धोती पहन सकते बहुत बढ़िया है, ठीक है? धोती पहन करके और तिलक लगा करके अरे गले में तुलसी की कंठी धारण करते हुए फालतू नहीं ठाकुर जी के पालतू बन करके सबके आना। और उस दिन और जितनी यहाँ पर यंग बच्चे बैठे है और कोशिश करना उस दिन है अपना यार दोस्तों को सबको लेकर के आने के लिए और पूरा बड़ौदा में जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालेंगे और धूमधाम से भगवान बोलो। हरे कृष्णा माता है, मैंने दोस्त आना और जेंट्स जितने प्रमुख लोग हैं दोस्त आएंगे, ठीक है? आज का सुंदर सहयोग और कुछ लोगों ने भंडारे के लिए जो जगन्नाथ रथ यात्रा विशाल भंडारा होगा उसके लिए भी दिया है, श्री उपेंद्र राणा जी कृपा करके जल्दी पधारे, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, जोरदार तालियां, हरि बोल। डॉक्टर बग्गा जी, डॉक्टर बग्गा जी, नोमिता राय दीदी, सबके ताली बजाओ, जिन लोगों ने हरिओ जोरदार तालियां, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब आगे आ जाओ, है कि नहीं वो लोग जिनका नाम ले रहे हैं? डॉक्टर सुधा दीदी आ जाइए उधर से, आ जाइए उस तरफ से, आज आ जाओ, आ जा जिनका नाम ली सबके सब आ जाए, धीरे धीरे आ जाए।
माधुरी दीदी, माधुरी मिश्रा दीदी आ जाओ, सब आ जाओ लाइन करके, कुसुम दीदी, इनके सबके लिए जोरदार तालियां, इन्होंने बहुत सुंदर सहयोग किया। डॉक्टर सुनीता दीदी, डॉक्टर रुचि गुप्ता दीदी, ये टीचर हैं हमारे राजन प्रभु जी के संपर्क में हैं, बहुत सुंदर इन्होंने चेक दिए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री रामवीर जी, नाम जोरदार तालियां श्री रामवीर जी। श्री सतेंद्र सिंह जावला जी, प्रिंस धमेजा जी और उमा शर्मा दीदी, इनको जोरदार तालियां। आप सबके सुंदर सहयोग से इतना सुंदर आयोजन हो पा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी बारिश में, वर्षा में इतना सुंदर ये रूप होगा। मेन तो गुरुदेव की कृपा ही है, गुरुवर्गों की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है। और अब महाराज जी से अभी गिरिराज महाराज की कथा श्रवण करके फिर भंडारा पाएंगे सर, ज्यादा समय नहीं, प्रसाद अभी तैयारी हो गया। रस विजय गिरिराज महाराज की जय। में इतने भक्त लोग बैठे हो, जो जितने देखो गुरु जी कहते हैं ना, जो गिरिराज गोवर्धन है, इनका एक नाम सर्व अभिष्ट प्रद, मतलब है सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है। गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उनको पीछे 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 घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर कराएंगे, मेरे से क्या मांगेगा। आप लोग गोवर्धन गए हो, कौन कौन गए गोवर्धन? आप देखना वहां पर गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे कि नहीं, मतलब क्या है, जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए और वो गिरिराज शिला के ऊपर जितना शिला रख दो, गिरिराज क्या करता है, उतना मंजिली मकान दे देते हैं। आप देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ देखोगे, धागा बंधी हुई देखोगे, देखोगे ही नहीं। जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं लगती है, कोई भी इच्छाओं को लेकर के जाओ, कहते गिरिराज समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव एक विशेष बात को कहते थे, बल्कि ये तो संसार की वस्तु को गिरिराज अपने आप दे देते हैं, लेकिन जब गिरिराज से एक चीज मांगो ना, फिर गिरिराज सोचने लग जाते, इसको दू की नहीं दू, बोले क्या, बोले भगवान की भक्ति, उनकी सेवा। बोले गिरिराज चिंता में क्यों लग पड़ जाते हैं, बोले जब धन दौलत पुत्र परिवार दे देते हैं ना ठाकुर जी, उससे छुटकारा मिल जाती है। लेकिन जब ठाकुर जी भक्ति देते हैं, फिर ठाकुर जी को उनको प्रेम में बसीभूत होना पड़ता है। भगवान को बसीभूत, भगवान सभी की बसीभूत होना नहीं चाहते, इसलिए गुरुदेव कहते थे विशेष करके गिरिराज गोवर्धन से भक्ति प्रेम और उनकी सेवा को ही प्रार्थना करनी चाहिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले इनका नाम गिरिराज क्यों नाम पड़ा? बोले गिरि मतलब होता है पर्वत, राज मतलब राजा, जितने पर्वत में जो श्रेष्ठ राजा कौन है, श्री गिरिराज बाबा है। बोले क्यों? बोले ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की, जब संतुष्ट हो गए बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु आपकी चरण की सेवा चाहते। बोले किस रूप में, क्या मेरे सखा सखी बन करके? बोले नहीं नहीं नहीं, हम इतने क्या सौभाग्य कि आपकी सखा सखी बन जाए। बोले कोई क्या जानवर बन करके? बोले नहीं नहीं, इतना सौभाग्य नहीं किया। बोले क्या कीड़े मकोड़े बन करके? बोले कहां इतना सौभाग्य किया है। बोले बताओ फिर क्या बन करके? बोले अगर हम ब्रज में पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, हमारे ऊपर में आप मधुर मधुर लीला कर, तो आपकी चरण स्पर्श से हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा स्वयं वर्षना रूप में प्रकट हुए, शंकर स्वयं नंदीश्वर महादेव रूप में, स्वयं भगवान विष्णु श्री गिरिराज रूप में। बोले गिरिराज बाबा की। इसलिए
और दूसरा तात्पर्य गिरिराज मतलब है जितने गिरियों में राजा है। क्यों? ये कृष्ण कौन है? यदि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जैसे भगवान कृष्ण समस्त कारणों का भी कारण है, इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये अभिन्न कृष्ण स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था, एक गिरिराज बल रघुनाथ, ये गिरिराज नहीं ये कृष्ण, और गुंजामाला नहीं बल राधा रानी है, इसलिए ये गिरिराज गिरिराज नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। राधा रानी क्या कहती है? बोले हंताय अद्रियवला हरिदास वर्ज, यदि जो गिरिराज गोवर्धन भगवान के सबसे बड़े सेवक श्री गिरिराज बाबा है, क्योंकि फल फूल पानी पंचामृत ठाकुर के लिए कुंज, और वहां पर राधा कुंड श्याम कुंड मानस गंगा, और वहां पर विभिन्न कुंड रूप में प्रकट होकर ठाकुर का पानी, झरना रूप में पानी, घास रूप में गैया को घास, फल फूल रूप में हर तरह से सेवा करते हैं। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन को नहीं सर्वश्रेष्ठ ठाकुर का सेवक है। इसलिए बोले श्री गिरिराज गोवर्धन कहते वो जो घास नहीं मानो प्रभु की चरण के स्पर्श से उनका रोगट खड़े हुए, झरना नहीं मानो ठाकुर का चरण स्पर्श से आंखों से आंसू झर रही है। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन भगवान स्वयं है। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने सारे गोस्वामी सबके सब गिरिराज तलेटी में प्रार्थना की, हे गिरिराज कब तुम अपना चरण में आश्रय प्रदान करोगे? सनातन गोस्वामी तो रोज जाते थे वृंदावन से परिक्रमा करके, मथुरा से माधुपुर ले करके आकर के वृंदावन में भोजन करते थे। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा श्री गिरिराज की। क्यों? सारा दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की है? गिरिराज की। सारा दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करता है, बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? श्री गिरिराज गोवर्धन को। भगवान को सब उठा कर रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसको उठा करके रखते? श्री गिरिराज को। बस श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए उस दिन नवीन प्रभु ने आपको गिरिराज जी कथा सुना दिए थे, कैसे ब्रजवासी इंद्र पूजा करना चाहते थे, कृष्ण इंद्र पूजा बंद करा के बोले श्री गिरिराज की गोवर्धन पूजा करो, जो कुछ मांगोगे ये तुम्हारी झोली श्री गिरिराज भर देंगे तुम्हारी झोली, जो कुछ मांगोगे और जो कुछ अर्पण करोगे साक्षात रूप में प्रकट होकर ग्रहण करेंगे। इसलिए सारे ब्रजवासी इंद्र पूजा को छोड़ करके श्री गिरिराज की पूजा की, और कृष्ण बोले भैया चकाचक भोजन करो, भजन करते हुए चलो हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की हम श्री परिक्रमा लगाएंगे। इसलिए कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे, आगे सारे संत ब्राह्मण, पीछे गैया, उसको पीछे नंद बाबा, सारे पुरुष लोग, और पीछे ब्रज गोपियां, और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। अभी राधा रानी चलते चलते इच्छा हुई, अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होंगे तो मेरी मन की भावना समझ जाएगी, अगर कृष्ण एक बार मेरे केवल दर्शन दे दे, अगर सचमुच से मेरे प्रियतम होएंगे मेरे मन की भाव समझ के दर्शन देंगे। अभी कृष्ण तो दो नहीं, राधा कृष्ण वो एक ही है। अभी कृष्ण सोच रहे राधा रानी सबसे पीछे में बीच में, अभी राधा जी को दर्शन दू तो कैसे दू? इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो गैया चराने का जो लकुटी को उन्होंने जोर से फेंके, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गए, छलांग लगाए, राधा जी का दो आंख कृष्ण का दो आंख मिलकर के चार हो गया। बस राधा रानी प्रेम से तो खुश हो गए। राधा रानी कहते कृष्ण की जो लकुट थी है, लकुटी हीरे हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, कृष्ण का जो गैया चरण का लकुटी, कृष्ण अपना लकुटी को इसे ऊंचा किया, जब किया उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब बना, कृष्ण की परछाई, और राधा रानी पीछे, बस दोनों को वो प्रतिबिंब में दर्शन करते हुए दोनों खुश हो रहे थे। जब थोड़ी दूर गए फिर राधा रानी सोच रही है, अगर कृष्ण मेरी मन की भावना अगर समझते हैं, एक बार कृष्ण मेरे को स्पर्श कर ले। अभी कृष्ण सोच रहे भैया सबसे पीछे में बीच में कैसे स्पर्श करूं, इतने में कृष्ण के बछड़े को उन्होंने पीछे कर आए और उसको पूछ को बड़े जोर से एंट दिया, एंट दिया तो बछड़ा तो फुदकते हुए पीछे चला गया।
और कृष्ण वो बछड़ा का बहाना बना करके पीछे गए और राधा रानी को पीछे से स्पर्श कर दिया। राधा रानी प्रेम तो हृदय में गदगद हो गई राधा रानी। इसलिए ऐसे करते हुए पूरा की पूरा श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा की। तपन प्रभु, तपन प्रभु जी, तपन कहा है? देखो ये गिरिराज जो सामने से रखा हुआ ना, भोग लग गया, लग गया तुम्हें ठीक है। इसलिए सारे ब्रजवासी परिक्रमा की और चकाचक भजन करते करते फिर कल जो है हम लोग श्रवण करेंगे हमारी गुरु जी की कथा सुनाने के लिए। और भी अच्छे अच्छे सब वैष्णव लोग आएंगे, गुरु जी की सबके सब बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी गुरु जी कल कथा सुनाएंगे। इसलिए कल लास्ट में हो सकता तो रुक्मणी, कल कृष्ण रुक्मणी की शादी होगा लास्ट में होली करेगी ठीक है। हाँ रुक्मणी के लिए, हाँ जो लोग रुक्मणी के लिए कपड़ा ला सकते हो, कपड़ा नहीं जगन्नाथ जी के लिए कुछ ऊल उल ले आना, ऊल हो ना ठंडा का समय में ठाकुर जी की जो उसमें जो ठाकुर का पोशाक बनता है ले आओगे तो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा की कुछ पोशाक बन जाएगी ठीक है। सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग ले आना और जो बनाने भक्त लोग भी बना देंगे। इसलिए हाँ भोग लगे तो भोग लगे ठीक है प्रभु जी। हाँ गिरिराज की भजन गा लो, कल चार बजे आए, कल कथा बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे वक्त आए तो कल चार बजे सब आ जाए। हरे कृष्ण जो कल जो देखो कल है ना ठीक चार बजे चार्ट कर कथा की कल विश्राम का दिन है। कल बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव लोग आ रहे हैं, गुरु जी को बाद में बड़ी प्यारी प्यारी कथा बहुत सारी होगी। हाँ देखो यहाँ पर दो तरह का प्रसाद मिल रहा है, एक तो कथा प्रसाद और एक प्रसाद है। इसलिए हम चाहते हैं आपको दोनों हाथ में लड्डू हो, इसलिए जो पहले आ जाते हैं उनको दोनों हाथ में लड्डू होता है क्या है, कथा प्रसाद और भगवान का प्रसाद ठीक है ना। लेकिन भगवत प्रसाद सब जीव का कल्याण है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कृपा है ना जब संतों की चरित्र भी सुनेंगे कथा सुनेंगे, क्यों उससे ज्ञान मिलता है। कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और हनुमान जी से कोई बड़े बढ़ सकता है? बोलो हनुमान से कौन बड़े है? कहीं अगर प्रभु की कथा हो ना सबसे पहले हनुमान पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कथा सुनते हैं। और जब कथा विश्राम हो जाए सबका चरण धूलि लेकर के और सबको प्रणाम करते हुए हनुमान जी जाते हैं। आप बताओ हनुमान जी से ज्यादा काम किसका पड़ गया? हनुमान जी से ज्यादा काम किसका है? क्या उठा लिया है? क्या करना, क्या करना? कथा से टाइम से आ जाओ ठीक है। कितना बजे? कल एकदम 5 बजे आ जाओ, कल वैष्णव लोग आएंगे हम चाहते आपको लाभ मिले ठीक है। अगर जल्दी आएंगे जल्दी विश्राम देंगे, क्यों फिर परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है ठीक है। प्रभु जी गोवर्धन तपन प्रभु आरती आरती ले आओ। देखो ये गिरिराज गोवर्धन, बोलो एक बार जय दो, बोलो श्री गिरिराज बाबा की, गिरिराज महाराज की। इसलिए गिरिराज की परिक्रमा करने से जो मांगो गिरिराज जी सबका झोली भरने वाले से गिरिराज जी। इसलिए लास्ट में हो सके तो 4 बार परिक्रमा करके सबके सब जाना और जो मांगना गिरिराज से प्रेम और भक्ति मांग लेना। क्या है संजीत? संजीत कहाँ गया? एक काम करो, ये आरती प्रभु जी आरती ना आरती कर लेते हैं गिरिराज एक भजन दीजो। नहीं क्या मत दीजो प्रभु जी, हाँ भजन में आरती करते।